हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर। बेटा जी, आज अपन बात कर रहे हैं डीटीएस सेकंड की। और आपको पता ही है कि एक मेगा सीरीज चल रही है जिसका नाम क्या रखा गया है, डीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये फर्स्ट डीटीएस है जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। सवाल फर्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोविंग हैज बोन फॉर्मेड बाय ओवरलैप ऑफ sp-sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp-sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 इसका sp और इसका भी क्या है sp। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो लोन पेयर हो जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर अगर कंजुगेशन का हिस्सा हो जाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, फिर वो क्या कहलाता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें है sp3 और sp, यानी कि sp-sp3 किसमें है, फर्स्ट में ही है, एक तो sp3 और sp बॉन्ड है। ठीक है, और ये भी कौन सा है sp, सिग्मा बॉन्ड गिन लो। इसमें कौन सा है sp3, sp2, sp2, sp3, इसमें sp2, 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 sp2। ठीक है, इसमें sp और sp, कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कह रहा है अपने को दोस्तों, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पाई बोन इन। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये वो सवाल है जो अक्सर नीट में आते हैं। ठीक है, यानी कि पीछे जो सवाल आ चुके हैं नीट में उन्हीं के बेस पे है, एनसीईआरटी के बहुत ही प्यारे से सवाल है। तो देखिएगा, नंबर ऑफ पाई बोन की बात हो रही है, पाई बोन। ठीक है, ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। अब इसमें ट्रिपल बोन आ जाए तो इसका मतलब ये पाई और ये भी पाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई बोन कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 पाई बोन आ जाएंगे। इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा अपने, थर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बोन कितने हैं भला, 4 है। अगर सिंगल बोन आ जाता है तो ऑल कैसे हैं, सिग्मा बोन है। डबल बोन आ जाता है तो इसका मतलब 1 sigma 1 pi है, और ट्रिपल बोन आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 sigma 2 pi बोन हो गया। ठीक है, पाई बोन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया अपना थर्ड। थर्ड सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई बोन की बात नहीं कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है दोस्तों। नेफ्थलीन की अगर स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो आपको पता है नेफ्थलीन, ठीक है, एक बेंजीन और एक और बेंजीन, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बना दें तो नंबर ऑफ पाई बोन कितने हो गए दोस्तों, 5 पाई बोन है इसमें, पाई बोन 5 है, तो एक बोन फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, पाई 5 पाई बोन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर कौन सा दे रखा है अपने को, 4। निम्न यौगिकों में से किस कार्बन का एक से अधिक प्रकार का संकरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि मोर देन वन काइंड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp sp2 sp3 कोई सा भी हो, एक से ज्यादा हो। ठीक, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो, सिंगल बोन है, इसका मतलब सब कौन से हैं, sp3 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 sp3, इसमें तो सिंगल टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये तो सिंगल बोन है, लेकिन यहाँ डबल बोन है, इसका मतलब sp sp2 sp2, और इसमें भी कौन सा है, sp3। ठीक है, तो दो टाइप का हो गया, यानी कि एक तो कौन सा हो गया sp2 और एक कौन सा हो गया sp3, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा है, sp2 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 sp2। ठीक है, और उसकी अगर अपन बात करें तो sp sp, इसका मतलब मोर देन वन किसमें है दोस्तों, मात्र एक में ही है, और वो किसमें है, फोर्थ में, यानी कि कौन सा आ जाएगा इसमें, सेकंड, और इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। चलो सवाल नंबर 5 देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिएगा, फुल एनर्जेटिक सवाल करिए। ठीक है, दिमाग को संतुलित बनाते हुए पेपर करिए, ठीक है, मजा आएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा बोन इन ऑर्थोजाइलीन। अब जाइलीन, जा रे साहब, ठीक है, कहां सा भला, जाइलीन किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर अपन बात करें तो ये तो है अपनी बेंजीन, यहां पे अपने क्या लगा दिया, CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन, और अगर गोले के बीच में से एक CH3 और लगा दें तो इसको बोलते हैं जाइलीन। ठीक है, जाइलीन,
अब यहाँ पे इसका मतलब गोले का मतलब क्या है, ये ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है और पेरा पे भी, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है दोस्तों। अगर मैं इसको यहीं लगा दूं कि क्या लगा दिया आपने, यहाँ पे CS3, यहाँ पे क्या लगा दिया CS3, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्थोजाइलीन बोल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे OH आ जाता और एक CS3 होता तो इसको अपन क्या बोलते, क्रिसोल बोलते, क्या बोला जाता है, क्रिसोल। तो ये है अपनी जाइलीन। अब जाइलीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा गया है, मात्र सिग्मा बॉन्ड पूछा गया है, जो इसमें होंगे वही इसमें होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है बेंजीन में कितने होते हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन काउंट कर सकते हैं कि इसमें 12 हो गए, इसका मतलब ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 तो ये हो गए, 12 और 3 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 18। बात समझ गए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, काउंट कर सकते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 3, 15, 15 और 3, 18, कौन सा आंसर आ जाएगा, 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो कौन सा सवाल है अपने पास, 6 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों, नंबर ऑफ एन हाइब्रिडेड, ठीक है, एन हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर अपन बात करें, यानी कि जो किसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन नहीं करता दोस्तों, पाई बॉन्ड एन हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी पाई हैं, इसका मतलब पाई बॉन्ड किन दोनों, दो और ओवरलैपेड हुए हैं, यानी कि वो साइड टू साइड ओवरलैपेड हुए हैं, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब दो ऑर्बिटल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, दो। अब देख लो क्या दे रखा है अपने को, एक तो विनाइल दे रखा है और एक एसिटिलीन दे रखा है। अब एसिटिलीन क्या होती है दोस्तों, विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो विनाइल ग्रुप होता है, और एसिटिलीन किसको बोला जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को खा जाओ और इसके साथ में चिपका दो। अब ये तो क्या है, आपकी है विनाइल और ये आपकी क्या है, एसिटिलीन, ये इसका सिंपल नेम है। अब पाई बॉन्ड देख लो कितने हैं, ये सिग्मा वन, सिग्मा वन पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, दो पाई और वन सिग्मा, यस करो। अब पाई बॉन्ड कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड हो गए, इसका मतलब ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 6 पार्टिसिपेट करेंगे, 6, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपना, 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो साइड टू साइड ओवरलैपेड से क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिले आपको, 6 मिल जाएंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड जितने हैं उसको डबल कर दो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, नेक्स्ट सवाल कौन सा आ रहा है अपने, 7 नंबर सवाल। तो देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2,5-डाइमिथाइल, ठीक है। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन 2,5-डाइमिथाइल-4-इथाइल-हेप्टेन, इस पूरे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और फिर देखो कि CH3 ग्रुप कितने हैं। IUPAC में जो नाम लिखा जा रहा है मिथाइल का, उसकी बात नहीं कर रहा, टर्मिनल पे मिथाइल कितने आ रहे हैं। अब आपको पता है टर्मिनल पे, तो पहले तो इसकी पूंछ पकड़ लो, यानी कि हेप्ट, हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं दोस्तों, 7 कार्बन आ जाएंगे, साथ निभाना साथी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया। अब इसकी नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो, दो नंबर पे क्या लगा दो, डाई मिथाइल, 2,5-डाइमिथाइल, दो नंबर पे आप क्या लगाइए दोस्तों, CH3 लगा दो, ठीक है, और पांच नंबर पे भी क्या लगा दो, CH3, 1, 2, 4, 5 नंबर पे भी आपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, बहुत बढ़िया किया। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे क्या लगा दो, एथाइल। अब कौन सा है 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे क्या लगा दिया आपने, एथाइल लगा दिया, ठीक है, यही तो नेम था। अब इसमें मिथाइल ग्रुप पूछा गया है दोस्तों, ये भी तो क्या है, CH3 है, ये भी टर्मिनल एंड है, इसका मतलब CH3 है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, इसका मतलब ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों CH3, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 4th आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 ग्रुप ऐसे हैं जो CH3 ग्रुप हैं, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर कौन सा है, 8 नंबर, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, देखो, इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, सबसे छोटा कीटोन कौन सा है दोस्तों, एसीटोन, ये है एसीटोन, CH3COCH3, ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन। अब इसकी इनोलिक फॉर्म यानी कि टोटोमर्स बना दो,
क्या बना दोगे दोस्तों? सी एच टू डबल बोन सी, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? सी एच थ्री। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टोटोमर्स। और दोनों के दोनों आइसोमर आपस में क्या होते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने इसमें पाई बॉन्ड होंगे उतने ही उसमें होंगे, जितने इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही इसमें होंगे, सेम है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ है दोस्तों? चेंज हुआ है। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? टोटोमर्स बोलेंगे। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, 3, 4, 5, 6 और 3, 9। 9 तो इसके पास सिग्मा है, और 1 क्या है दोस्तों? पाई। सेम इसके पास यही कहानी होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, 3, और एक कार्बन कार्बन में बॉन्ड गिन लो, ये कितना है दोस्तों? एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में गिन लो, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो बॉन्ड है ना, ये भी तो सिंगल बॉन्ड ही है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ही है, 9 सिग्मा, एंड क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब लोन पेयर बताइए, लोन पेयर किसके ऊपर है दोस्तों? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2। लोन पेयर किसको बोलते हैं दोस्तों? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो पेयर के रूप में यानी कि जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो 9 सिग्मा 1 पाई एंड 2 लोन पेयर, तो देख लो दोस्तों, 9 सिग्मा 1 पाई एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर कौन सा है दोस्तों? 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड में नोट एग्जिस्ट, ठीक है, किसका अस्तित्व नहीं है दोस्तों इनेंसियोमर के रूप में? इनेंसियोमर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं किसको है दोस्तों? यानी कि जिनके पास क्या होना चाहिए? कायरलिटी होनी चाहिए, कायरल होना चाहिए, पीयूएस सीयूएस एब्सेंट होनी चाहिए, उसके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे पर अधरोपित नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जिसके पास कायरल कार्बन है वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, इनेंसियोमर बनाएगा, और सिंगल कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, मोर देन वन है तो कोई जरूरी नहीं है वे ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक, तो अब देखो, इसके पास सिंगल कायरल कार्बन है, ये लैक्टिक एसिड है दोस्तों, लख हिलाता हुआ, कौन सा है? लैक्टिक एसिड, ये है आपका लैक्टिक एसिड, इसका मतलब सिंगल कायरल कार्बन है ये, डी और एल, इसका मतलब ये इनेंसियोमर बनाएगा, तो ये तो इनेंसियोमर बनाता है। फिर अगर अपन बात करें तो सेकंड को पकड़िए, क्या दे रखा है दोस्तों? यहां दे रखा है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू और ओ एच, यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों? सी एच थ्री। कायरल कार्बन ढूंढ लो, कायरल कार्बन की अगर अपन बात करें तो ये कैसा है? कायरल है, इसका मतलब ये भी डी और एल बनाएगा, इसका मतलब डी और एल बनाएगा, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? इनेंसियोमर हो गया। कैसा हो गया? इनेंसियोमर। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, थर्ड क्या दे रखा है दोस्तों? पी एच, और यहाँ पे क्या दे दिया? सी एच टू सी एच थ्री। क्या इसमें कोई कायरल है? नहीं है दोस्तों, ये कायरल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये इनेंसियोमर नहीं बना सकता, इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? थर्ड। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों? देखिए पीएच यानी कि C6H5 लिख दो या पीएच लिख दो, एक ही बात है, यहाँ पे सीएच, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? CH3Cl। इसके पास भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये भी डी और एल यानी कि इनेंसियोमर का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा नहीं करेगा दोस्तों? थर्ड नहीं करेगा, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 10 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समवयता का कौन सा एग्जांपल है? पोजीशन किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज करोगे तो वो चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगी। ठीक है, पीआई इसका मतलब वो जिंदगी जी आई। देख लो दोस्तों, इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा? सीआई का हो जाएगा, सीआई मतलब चेन आइसोमर, ये पीआई का नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, देखो डिफरेंट पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है,
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, बट उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे तो चेन आइसोमर में आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल दिया, 1, 2, 3, 4 CH2, यहाँ पे आपने क्या ले दिया, LDH ले दिया। अब इस LDH की पोजीशन अगर चेंज करोगे तो वो किसमें आ जाएगा दोस्तों, CI में आ जाएगा, यानी कि चेन आइसोमर में हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, क्यों, क्योंकि काउंटिंग दोस्तों कहां से स्टार्ट हो गई, जहां अमिताभ बच्चन खड़े होंगे, यानी कि लंबू जहां खड़े होंगे वहीं से काउंटिंग होगी, मेन फंक्शन ग्रुप है वहीं से फर्स्ट नंबर मिलेगा। यस कनो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो पोजिशन आइसोमेरिज्म, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड। फिर थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, ईथर। एल्कोहल एंड ईथर आर FGI। फिर अगर अपन बात करें तो ये क्या है, नियोपेंटेन, और ये क्या हो गया, पेंटेन। एन पेंटेन और नियोपेंटेन आपस में क्या होंगे दोस्तों, CI पोजीशन आइसोमर होंगे क्या, नहीं नहीं, क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे दोस्तों। कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, PI के बारे में पूछा गया था, तो कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा है, 11 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन C4, एल्कीन पूछा है, ओनली ऑन एल्कीन की बात करनी है अब यहाँ पे। C4H8, DU देख सकते हैं आप, इसकी DU निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, X+1 - Y/2, ठीक है। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, एंड Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और एच क्या है, यानी कि Y क्या है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4+1, ठीक है, -8/2, कितनी आ जाएगी दोस्तों, DU की अगर अपन बात करें तो 1 आ गई। इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग हो सकती थी, बट उसने रिंग की बात नहीं की, केवल एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी एल्कीन के आइसोमर्स बना दो, ठीक है। अब कितने बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, एक तो ये आप बना दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कुछ ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे एक पंखुड़ी लगा दें, इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है, 1-butene, और ये क्या हो गई, isobutylene। फिर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं ना, सेकंड नंबर पे लगा सकते हैं, देख लो नजारा आपके सामने है। अब ये क्या है, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गई, 2-butene। तो अब ये अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो कितने, 3, पर उसने मैक्सिमम आइसोमर पूछा है, तो इसका मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमर कोई भी क्या करेंगे दोस्तों, इंक्लूड करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या ये GI शो करती है, नहीं, इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो 3D अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, दोनों CH3, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, यहाँ CH3 और हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और हाइड्रोजन, देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये GI शो करेगी, और जो GI शो करेगी वो क्या बनाएगी दोस्तों, एक तो सीस बनाएगी और दूसरी क्या बनाएगी, ट्रांस बनाएगी। एक सीस हो गई और एक ट्रांस हो गई, इसका मतलब ये अकेली 2 शो करेगी, एक सीस ट्रांस, तो टोटल कितने आइसोमर आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 आंसर, यानी कि थर्ड आंसर आ जाएगा, 4th आइसोमर, ठीक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, देखो 12 नंबर सवाल, पहली प्यारा सा सवाल है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पहले तो बताइए किसको बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल लाइट को जब अपन किस में से पास करवाते हैं, नाइकोल प्रिज्म में से पास करवाते हैं, ठीक है। तो लाइट पहले तो क्या थी, फैली हुई थी, फिर एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, इस एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती हुई लाइट को क्या कहा जाता है, PPL कहा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो सीधी सनलाइट जो आती है वो डायरेक्ट क्या आती है दोस्तों, यूं चारों तरफ फैली हुई होती है, जैसे इसको अपन क्या करते हैं, नॉर्मल लाइट को नाइकोल प्रिज्म में से पास करवाते हैं, नाइकोल प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगी दोस्तों, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होने लग जाएगी। इस एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती हुई लाइट को क्या कहा जाता है, PPL कहा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किससे देखा जाता है दोस्तों, पोलेरीमीटर से देखा जाता है, पोलेरीमीटर। ये पोलेरीमीटर में वो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है दोस्तों, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। तो किससे देखा जाता है दोस्तों, पोलेरीमीटर से देखा जाता है। यस कनो, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन वो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो किससे देखा जाता है, पोलेरीमीटर से देखा जाता है। यस कनो, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्रुवन मापी बोलते हैं इसको प्यार से, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि GI कौन शो करेगा, देख लो दोस्तों GI कौन शो करेगा, GI वही शो करेगा दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन है
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन परसेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से परसेंट, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हिंड्रेड रोटेशन से परसेंट ग्रुप क्या होने चाहिए दोस्तों, ये दोनों ग्रुप अटैच क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, फिर सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, और टू जी आई में टू पर्टिकुलर ग्रुप की डिफरेंट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए दोस्तों, डिफरेंट होनी चाहिए। फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अटैच ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट, तभी वो जी आई शो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि अगर अपन बात करें क्या है, हिंड्रेड रोटेशन है, हिंड्रेड रोटेशन का मतलब क्या है, यानी कि इसमें प्रतिबंधित घूर्णन तो है लेकिन ये समावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्या जी आई शो नहीं कर सकता, क्यों भला, क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैसी है, लीनियर रेखा, मैंने तुझे पहली बार देखा, देखते ही समझ गया था कि ये जी आई प्रदर्शित नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसका मतलब एसपी एसपी लीनियर है दोस्तों, ये क्या शो नहीं कर पाएगी, जी आई शो नहीं कर पाएगी। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखो तो जरा, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या दे दिया Cl, यहाँ पे H दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया Cl, यहाँ पे क्या दे दिया H, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये जी आई शो करेगा, यस करो, जी हाँ, ठीक है, तो सेकंड आंसर। फिर अगर अपन बात करें तो इसके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है तो ये जी आई शो नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर रिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें भी सिंगल बोन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, फर्स्ट कंडीशन यही है दोस्तों कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हिंड्रेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए, हिंड्रेड रोटेशन यानी कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन नहीं है तो वो जीआई प्रदर्शित है, नहीं कर सकता, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सिस ट्रांस वही बना सकता है जो प्रदर्शित करने के लायक है, यानी कि जीआई प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है, मीजो टार्टरिक एसिड की बात हो रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू किसके कारण होता है दोस्तों, ठीक है, मीजो कंपाउंड, मीजो टार्ट्रिक एसिड की अगर अपन बात करें दोस्तों तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिसके पास एक कायरल कार्बन होता है वो तो बहुत बढ़िया होता है, क्यों, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और इसके लिए दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हुए भी ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इसके लिए, क्यों, क्योंकि इसके लिए देखो तो कितने कायरल कार्बन है दोस्तों, दो कायरल कार्बन है, मोर देन वन कायरल कार्बन लेकर बैठा है फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक संतुलन, आंतरिक प्रतिकार, या फिर इसको क्या बोला जाता है, मोलिकुलर सिमेट्री, किसके कारण है ये, मोलिकुलर सिमेट्री, यानी कि पीओएस या सीओएस दोनों में से कोई ना कोई एक प्रेजेंट होगी, ठीक है, मोर देन वन कायरल कार्बन होगा बट पीओएस हैव सीओएस, ठीक है, बट हैव पीओएस और सीओएस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो कैसा है, मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट हैव पीओएस और सीओएस, मोर देन वन कायरल कार्बन बट हैव पीओएस और सीओएस, ठीक है, पीओएस हो या फिर सीओएस हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोलिकुलर सिमेट्री के कारण, इंटरनल कंपेंसेशन के कारण, आंतरिक संतुलन के कारण, आंतरिक संतुलन किसको बोलते हैं दोस्तों, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इसी में एक क्लॉकवाइज है और एक इसी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे, आप आरएस नोमेनक्लेचर करके देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर किसको दोगे दोस्तों, इसको, सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, इसका मतलब ये किधर गया, इधर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड नंबर इसको, 1 2 थर्ड नंबर इसको दोगे, ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल कंपेंसेशन, ठीक है, खुद ही खुद को सल्टा रहा है, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आणविक सममिति, मोलिकुलर सिमेट्री बोल दो या इंटरनल कंपेंसेशन बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा सवाल दे रखा है, 15 नंबर सवाल, क्या कह रहा है दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल टू हाइड्रोक्सी टू मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए पहले, तो बेहद ही प्यारी सी स्ट्रक्चर, ये तो आपकी हो गई ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हैं चाहो तो 1 2 3 4, यही है ब्यूटेनोइक एसिड, फिर सेकेंड नंबर पे क्या लगा रखा है दोस्तों, OH, और सेकेंड नंबर पे ये आपके क्या लगा रखा है, CH3, देख सकते हैं 2-methyl, ठीक है, और 2 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, कितने कायरल कार्बन है दोस्तों, एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये इनेंसियोमर बना सकता है, ठीक है, डी और एल, इनेंसियोमर पेयर अगर आपसे पूछता है कोई तो एक ही है, युगम यानी कि जोड़ा, पेयर तो क्या है, एक ही है, और इनेंसियोमर वैसे पूछे तो डी और एल दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब दो हो गए,
ठीक है। तो अब वो स्टीरियो आइसोमर पूछा जा रहा है, तो टोटल त्रिविम समावियों की संख्या डी और एल दोनों अलग अलग होंगे, इसका मतलब कितने हो जाएंगे दोस्तों, दो हो जाएंगे। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड। यस करो, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि द आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है कि एल्काइल साइनाइड दे रखा है और एक आइसोसाइनाइड दे रखा है, ठीक है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर एफजीआई, जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप ही जिसमें चेंज हो जाए, इसका मतलब वो आपस में क्या होंगे, रिश्ते में आपस में क्या लगेंगे दोस्तों, एफजीआई लगेंगे। एक तो एल्काइल साइनाइड, दूसरा क्या हो गया आइसोसाइनाइड, कौन सा हो जाएगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर एफजीआई, क्रियात्मक समूह है समावयता, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप चेंज होता, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण अगर फंक्शनल ग्रुप क्या होता दोस्तों, चेंज होता, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं, ये है चलावयता, ठीक है। बट एल्काइल ग्रुप अगर चेंज होता है, हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, एफजीआई, ठीक है। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण क्या हो, फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं, तो वो किस में आता है, चलावयता में, टोटोमेरिज्म में आता है। और एल्काइल पार्ट ही अगर चेंज हो रहा है, एल्काइल पार्ट के कारण हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब उससे क्या आएंगे, एफजीआई, ठीक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर नॉट आइसोमेरिक, कौन सा आइसोमेरिक यौगिक नहीं है दोस्तों, आइसोमेरिज्म के लिए डीएनए मैच करना चाहिए, डीएनए का मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो व्हेन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तब दोनों सेम होने चाहिए। स्ट्रक्चरल की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से काम चला जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। तो देख लो दोस्तों क्या दे रखा है, एथाइल एथेनोएट, एथाइल एथेनोएट देख लो, एथाइल एथेनोएट ओएट, इसका मतलब क्या हो गया, एस्टर CH2CH3। मिथाइल प्रोपेनोएट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनोएट का मतलब क्या हो गया, तीन कार्बन, और यहाँ पे क्या आ गया मिथाइल, इसका मतलब इसमें भी चार कार्बन, इसमें भी चार कार्बन, ये दोनों तो आपस में क्या है दोस्तों, मेटामर्स हैं, क्या है, मेटामर्स, मध्यायवी हैं, जिसमें बीच में गड़बड़ हो जाए, फंक्शनल ग्रुप सेम बट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच, एल्काइल और एलाइल पार्ट की नेचर क्या हो, डिफरेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मेटामर्स हैं। फिर अगर अपन बात करें ब्यूटेनोन और ब्यूटेनल, ब्यूटेनोन और ब्यूटेनल, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन तो ये हो गया, और ब्यूटेनल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एल्डिहाइड हो गया, इसका मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एफजीआई, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्रियात्मक समूह है समावी होंगे, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है, एथोक्सी प्रोपेन, एथोक्सी प्रोपेन, एथोक्सी देख लो दोस्तों, एथोक्सी, एथोक्सी की बात करें तो CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3CH2, एथोक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है। और प्रोपेन की अगर अपन बात करें तो CH2CH2CH3, ये एथोक्सी प्रोपेन है। फिर अगर अपन बात करें तो प्रोपेन, प्रोपोक्सी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तीन कार्बन, प्रोप और ऑक्सीजन, प्रोपोक्सी प्रोपेन CH2CH2CH3। क्या ये दोनों आपस में रिश्ते में कुछ लगेंगे, क्या ये रिश्ते में कुछ लग रहे हैं दोस्तों, ये क्या नहीं है, आइसोमर्स तो नहीं है, लेकिन होमोलोगस जरूर है, ये भी इथर है, ये भी इथर है, ये होमोलोगस है, ठीक है, समजात है, एक ही जाति के लोग हैं, क्योंकि ये भी इथर, ये भी इथर, होमोलोगस है, बट क्या नहीं है, आइसोमर्स नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आइसोमर्स कौन है, तो आइसोमर नहीं हो सकते दोस्तों, कहानी इनकी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ की अगर अपन बात करें तो मेथोक्सी, मेथेन और एथेनॉल, मेथोक्सी CH3OCH3 प्लस क्या है दोस्तों, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों, अगर अपन इसकी बात करें तो क्या दे रखा है, यानी कि ये तो है मेथोक्सी, मेथोक्सी मिथेन, और इसकी अगर अपन बात करें तो एथेनॉल, ठीक है, ये इथर, ये एल्कोल, ये आपस में क्या होंगे, एफजीआई होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोमर्स हैं, कौन सा नहीं है दोस्तों, थर्ड नहीं है, थर्ड अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसने यही तो पूछा था। नेक्स्ट सवाल की और बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है बेंजीन चक्र युक्त बनाने हैं आपको, बेंजीन कंटेनिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग बेंजीन रिंग, एक तो बेंजीन बनानी बनानी है, C7H9 और N दे रखा है दोस्तों, C7H9 और N, C7H9 और N दे रखा है, ठीक है। एक तो बेंजीन बनाइए, लुप्त उठाइए, एक तो आपने बेंजीन बना दी बिना किसी को बताए, ठीक है, बहुत बढ़िया किया।
अब बेंजीन में C6H6 होते हैं, तो इसका मतलब C6H6 तो गए, अब ये ग्रुप इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, वैलेंसी फ्री छोड़ देंगे, ये फिनाइल हो गया साहब, ठीक है। अब ये C6H5 हो गया, यहां पे अगर अपन बात करें तो C6 तो काम आ गया, एक कार्बन इसके पास बच गया। अब हाइड्रोजन यहां पे कितने काम आ गए दोस्तों, 5, और यहां पे कितने हो गए, 4, और एक नाइट्रोजन है, ये ग्रुप बच गया। अब इसको कैसे तोड़ मरोड़ के इसके साथ लगा सकते हैं दोस्तों, देख लो, यहां ऐसे लगा सकते हैं ना, CH2NH2, यस करो, दो हाइड्रोजन इसके पास कर दिए, दो इसके पास कर दिए, एक तो आपका ये आइसोमर बन गया। दूसरा आप क्या बना सकते हो दोस्तों, कुछ ऐसा बना सकते हो कि यहाँ पे अपने क्या लगा दिया, आपने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन NH और यहाँ पे CH3, 1 डिग्री, ये तो कौन सा है, 1 डिग्री एमाइन है, और ये कौन सी होगी, 2 डिग्री एमाइन, ठीक है, ये कौन सी है, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइन आर FZI, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन आर FZI, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, ये तो एलिफेटिक है, और इसकी अपन क्या बना सकते हैं दोस्तों, एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी कि ये 2 डिग्री है, और ये आपने क्या कर दी, 1 डिग्री, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, CH3, ठीक है। फिर आप क्या बना सकते हो दोस्तों, पोजीशन चेंज कर सकते हो CH3 की एनिलीन, और यहाँ पे ऑर्थो मेटा पेरा कर दो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आपको कितने मिल जाएंगे दोस्तों, ये पेरा वाला एक और बना दिया, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, कितने आंसर आ जाएंगे आपके, 5, बेंजीन कंटेनिंग कितनी मिल जाएगी आपको, 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, 19 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों, विच कंपाउंड डज नॉट शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं कर रहा, ठीक है, 2-butene, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 2-butene है, 2-butene है, ये GI शो कर रही है, 2-pentene, 1, 2, 3, 4, 5, ये 2-pentene, इसका मतलब ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी GI शो कर रही है, ये भी GI शो कर रही है, ये क्या दे दिया दोस्तों, 2-3-dibromo-2-butene, 2-3-dibromo, 1, 2, 3, 4, 2-butene, और दो नंबर पे क्या लगा दिया आपने, BR, 3 नंबर पे भी आपने क्या लगा दिया, BR, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी GI शो करेगा, यस नो, इसका मतलब ये नहीं कर सकता, इसके हालात ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो प्रोपीन दे दिया, 2-methyl propene, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, CH3, क्या ये GI शो कर सकती है, नहीं कर सकती दोस्तों, ये GI शो करने के हालात में नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा दे दिया आपने को, 20 नंबर सवाल, ग्लूकोज और फैक्टोज आपस में रिश्ते में क्या लगेंगे दोस्तों, FZI होंगे, क्यों, क्योंकि C6H12O6, ये तो होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज का है, ये फैक्टोज का है, ये मेनोज का है, ये गैलेक्टोज का है, ठीक है, कहानी एक ही है, बट फंक्शनल ग्रुप कईयों में सेम है, कईयों में अलग है, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें, ग्लूकोज में LDH होता है, और फैक्टोज की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक, देख लो कैसे, ग्लूकोज में तो क्या होता है, LDH ग्रुप होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे CH2OH, H, OH और H, ये तो किसकी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ग्लूकोज की, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का OH क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक, ये तो क्या है, डी ग्लूकोज। अगर अपने कीटोन से बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे, फ्रैक्टोज बनाएंगे, तो फ्रैक्टोज में क्या होता है दोस्तों, कार्बन नंबर 2 कीटोनिक ग्रुप होता है, 3 नंबर की कहानी वही होती है दोस्तों, और 5 नंबर की वही होती है CH2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, OH, H, H, और 3 नंबर का यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है दोस्तों, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्या है, FZI है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, क्रियात्मक समूह है, समावी का आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है, 21 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों, डी टार्ट्रिक एसिड, जिसकी टाट फूटी हुई उसको क्या बोला जाता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, यानी कि क्या होता है, CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH, इधर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, COOH, और यहाँ पे क्या दे रखा है, OH और OH, ठीक है, एक तो मीजो टार्ट्रिक एसिड होता है, ये तो अपना क्या है, COOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, OH, H और H, और ये तो क्या है, मीजो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब अपने को क्या बनाना है, D और L बनाना है, D और क्या होते हैं दोस्तों, इनेंसियोमर होते हैं, कहानी सीधी सी है, यहाँ COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये तो है L टार्ट्रिक एसिड,
बनाएंगे तो दोस्तों डी और एल आपस में क्या होती है, मिरर इमेज ही तो होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ सी डब्लो एच और यहाँ पे सी डब्लो एच। ठीक है, अब इसके लिए क्या देखते हैं दोस्तों, हाईएस्ट नंबर के कायरल कार्बन को बेस पे करते हैं। हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इधर से देखेंगे 1 2 3। फिशर के अकॉर्डिंग, फिशर ने क्या कहा था, नंबर वन कार्बन कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे टॉप पर होना चाहिए, तो 1 2 3 ये तो हुआ सेकंड थर्ड नंबर वाला कार्बन। ठीक है, अब इसका OH अगर राइट हैंड साइड में है तो इसके लिए D यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में है तो L यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम D है और इसका नाम क्या है, L है। अब इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या लगेगा दोस्तों, देख लो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, देख सकते हैं एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज, और मिरर इमेज होंगे इसका मतलब क्या होगा, इनेंसियोमर होगा साहब। कौन सा आंसर आ जाएगा, प्रतिबिंब समावी, कौन सा, इनेंसियोमर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है अपने को, 22 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, C7H16 अनुसूत्री यौगिक में मिलने वाले संभव संरचनात्मक समावियों की संख्या, संरचनात्मक समावी पूछा गया है दोस्तों। अब अगर आपको एक ही कार्बन दे रखा हो यानी कि CH4 दे रखा हो तो क्या बनाओगे, आइसोमर, सिंगल ही तो बना CH4 का। ठीक है, तो कहानी अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, 4 से। अगर C4H10 दे रखा है, C4H10, तो कितने आइसोमर बना सकते हो, दो। C5H12 कितने बना सकते हो दोस्तों, तीन। C6H14, C7H16, C8H18, ठीक है, और C9H20 और C10H22। ये दोस्तों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, इसके कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं दोस्तों, पांच। इसके कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं दोस्तों, नौ। इसके कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं, 18। इसकी अगर अपन बात करें तो 35, और इसकी अगर अपन बात करें तो कितने बनाए जा सकते हैं, 75। ये 35 है, 35 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा है, C7H16 पूछा गया है, C7H16N के कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 9 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, 10 तक। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तों, 23 नंबर सवाल, देखिएगा बेहद ही प्यारा सा सवाल है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों, ए और बी में रिश्ता पूछा गया है कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। पहले तो ये देखिए क्या ये सही है, इधर देखिए एस्टर है, इधर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब दोनों का सेम नजर नहीं आ रहा आपको। इधर देखिए CWH है, इसका मतलब क्या है, एस्टर है, इसका मतलब कोई ना कोई लोचा है। ये दोस्तों क्या हो रहा है, बाबा रामदेव का चेला हो रहा है मुझे तो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सीसा कर रहा है, यानी कि सिर इसने क्या कर रखा है, नीचे और टांगे ऊपर कर रखी है, देख लो भले, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, CWH ही तो है, 3। ठीक है, यही तो वाली बात आई, तो इसका मतलब इसको 180 पे रोटेट करो, पहले तो इसको बोल सीधा हो जाए। ठीक है, तो इसको सीधा करोगे यानी कि सीधे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये आपको दे रखा है, इसको 180 पे रोटेट करोगे, 180 का रोटेट का मतलब इसको उठाओ और सीधा यूं कर दो, 180 पे रोटेट करोगे तो इसको पूरे को उठा के और 180 पे रोटेट करेंगे दोस्तों, तो क्या हालचाल हो जाएगा, देखो तो जरा, ये CWH था ऊपर आ गया, अब ये OH किस साइड में चला जाएगा बताओ तो जरा, इस साइड में, इसको आपने रोटेट किया तो OH किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो OH इस साइड में, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, H और H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COCH3, देख सकते हैं आप। अब इसके और इसका कंपेयर करिए, ये और ये, क्या ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड होता तो आइडेंटिकल होता, क्यों, क्योंकि मीजो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज नहीं बनाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि उसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाती है, यानी कि एक दूसरे को ढक लेती है, जैसे मीजो टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर सिमेट्री के कारण, क्यों, क्योंकि वो मिरर इमेज भी नहीं बनाएगा, उसकी मिरर इमेज एक दूसरे को ढक लेगी। ठीक, इसकी मिरर इमेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देख लो भले, मिरर लगाओगे तो सेम टू सेम यही मिलेगा, यहाँ आगे लगा दो भले ये मिल जाएगा, एक ही बात है, तो क्या मिला, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या होगा, इनेंसियोमर होगा, क्या होगा, ए और बी आपस में रिश्ते में क्या लगेंगे दोस्तों, इनेंसियोमर लगेंगे, यानी कि प्रतिबिंब समावी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो क्या कह रहे हैं, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, कौन सा ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करता है, तो देख लो साहब, क्या ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करता है, नहीं कर सकता, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं कर सकता,
ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये भी ज्यामितीय समवयता प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। रिंग पर कम से कम दो ग्रुप ऐसे होने चाहिए जो जीआई प्रदर्शित करें, यानी कि दो ग्रुप ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग हो। मान लो एक एच और एक सी एस थ्री, एक एच और इसका सीसो ट्रांस आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ तो डबल बोन आ गया, इसका मतलब कैसे बना सकते हो? ये अकेला कुछ करना चाहता है, क्यों? क्योंकि सी एस थ्री और एच है, लेकिन इसका कोई पड़ोसी साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या प्रदर्शित नहीं कर सकता? ज्यामितीय समवयता प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्या ये प्रदर्शित कर सकता है? ये तो दोनों अलग अलग है। देखो तो भला यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, रिंग, यहाँ पे डबल बोन, यहाँ पे क्या दे रखा है सी एल, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। क्या ये दोनों अलग अलग है? जी हाँ, सी एल और एच दोनों अलग अलग है। क्या इधर देखो सी एस टू सी एस टू, इधर देखो सी एस टू सी एस टू एच, नहीं हुआ ना अलग, ठीक है। इसका मतलब ये भी जीआई शो नहीं कर सकता। क्या ये प्रदर्शित कर सकता है? जी हाँ, ये प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। इसने अपने हालात भी ऐसे पैदा कर लिए हैं कि ये जीआई प्रदर्शित करेगा, नहीं मानेगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों, ये दे दिया सी एस थ्री और एक एच होगा, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, देखो इधर सी एस टू सी एस टू, ये तो दोनों सेम है, आगे बढ़ो, ये सी एच टू और यहाँ पे क्या है, पंखुड़ी लगी हुई है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये जीआई प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? फोर्थ आंसर आ जाएगा। यस कनो, ग्रुप डिफरेंट हो गए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होगा तभी वो जीआई प्रदर्शित करेगा और सेम प्लेन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो कौन सा है, 25 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों 25 नंबर सवाल, क्रियलता, ठीक है। योगी की कायरलिटी पूछी गई है, क्या है दोस्तों? आरएस नोमेनक्लेचर कर लो इसका, और क्या कर सकते हो भला? सिंगल कायरल कार्बन है, मोर देन वन कायरल कार्बन है, तो उसका आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं अपन, ठीक है। कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम की, मेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म, यानी कि R का मतलब रेक्टस, R से स्टार्ट होके S पे खत्म हो रहा है, और सिनिस्टर S से स्टार्ट होके R पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर किसको दोगे? सीक्वेंस रूल, ठीक है, सीआईपी रूल, अनुक्रम नियम, फर्स्ट नंबर इसी को मिलेगा, सेकेंड नंबर आप इसको दोगे, थर्ड नंबर इसको दोगे, ठीक है, फोर्थ को नेगलेक्ट मानते हैं। क्या कहता है दोस्तों? कंडीशन यही कहती है कि जूनियर मोस्ट ग्रुप, यानी कि लो प्रायोरिटी ग्रुप, यानी कि जिसको आप फोर्थ नंबर देना चाहते हो, वो डैश डैश लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। वेज डैश फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो वन टू थ्री, तो रोटेट कर दो वन से टू थ्री, ये फोर्थ वाला कैसा है, यानी कि जूनियर मोस्ट ग्रुप ही तो है ये। निम्न वरीयता वाला समूह कहाँ पे है? डैश डैश लाइन पे ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, वन टू थ्री फोर यही तो जाओगे। कैसा हुआ दोस्तों? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज करोगे? आर, ठीक है। ये तो वेज डैश है, इसको आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। फिशर में कन्वर्ट कैसे करोगे दोस्तों? ये तो आपने आर कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो देखो कैसे करोगे, यहां खड़े होकर इसको निहारो, ठीक है, कि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन आपने तो बहुत देखे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब क्या है, इसको ऐसे देखोगे, यहां से देख रहे हो दोस्तों, तो ये सी एस थ्री क्या है? डार्क लाइन पे है, यानी कि वेज लाइन पे है, और वेज लाइन पे इसका मतलब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आपकी साइड में पटक दो, जो डैश डैश लाइन वाला जिधर है उधर ही। देखो बी आर और सी एस थ्री जो सिंपल लाइन पे है, यानी कि कागज के प्लेन में है, पेपर के प्लेन में है, उनको तो सीधा कर दो सर, ठीक है। यहां पे क्या लिख दोगे दोस्तों? बी आर, यहां पे क्या लिख दोगे? सी एस थ्री। यहां से आप देख रहे हो तो ये आपको क्या दिखेगा? ऊपर, तो इसका मतलब आपकी साइड में दिख रहा है, और ये आपसे दूर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लो, वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री कैसा हुआ दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस यूज करेंगे? नहीं, ये कौन सा है? अब फिशर फॉर्मूला है, और फिशर फॉर्मूले के लिए क्या कंडीशन होती है? कि लो प्रायोरिटी ग्रुप, जूनियर मोस्ट ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देंगे। यस कि नो? यस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों? ये कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दो, तो ये कैसा आ रहा है? एस। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? आर। तो इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दे रखा है दोस्तों? 26 नंबर सवाल, डी ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूले की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि डी ग्लिसरेल्डिहाइड, यानी कि डीएल नोमेनक्लेचर जो है, कैपिटल डी और कैपिटल एल, डीएल नोमेनक्लेचर की अगर अपन बात करें तो राइट फिशर फॉर्मूले पे ही अप्लाई होते हैं। राइट फिशर फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों? अगर अपन फिशर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे नंबर वन कार्बन होना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन के टॉप पर नंबर वन कार्बन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IUPAC, जिसको आप एक नंबर देते हो वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर इस वर्टिकल लाइन पर
मेन चेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुख्य श्रृंखला। क्या होनी चाहिए? मेन चेन यहां होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजेंटल पे आप ग्रुप लगाओगे, ठीक। चलो देखते हैं फर्स्ट को, क्या ये राइट फिशर फॉर्मूला है साहब? ये राइट फिशर फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि नंबर वन कार्बन यहां पे होना चाहिए, लेकिन नंबर वन तो यहां पड़ा है, तो इसको राइट फिशर फॉर्मूला बनाओगे तो अब राइट फिशर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? इवन नंबर में स्विच करेंगे। इवन नंबर का मतलब सम संख्या में स्विच करेंगे। सम संख्या में स्विच कर दो दोस्तों, सम संख्या में स्विच करने पर कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाता है? आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहां इसको यहां ले आओ, ठीक है। OH को फिक्स कर लो, इन तीनों को आपस में रोटेट कर लो। तीन को आपस में रोटेट कर दोगे तो क्या नहीं होता दोस्तों? कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा। इसको यहां लाना है, सीधी सी बात, नो बकवास। इसको यहां लेके आना है तो LDHD यहां लेके आए, ठीक है। CH2OH यहां आ गया, CH2OH यहां आ गया और H यहां है। अब CH2OH अपने को यहां चाहिए, तो देखो एक बार तो यू चेंज किया तो CH2OH यहां आ गया, LDHD यहां चाहिए था अपने यहां आ गया, फिर एक बार यू किया तो CH2OH यहां आ गया और यहां पे क्या आ गया? H, और यहां पे क्या है दोस्तों? OH। एक बार यू स्विच, दूसरी बार यू स्विच, और दो किसमें आता है? इवन नंबर में आता है, तो क्या H और OH को ऐसे चेंज कर सकते हैं? तो वो किसमें आ जाएगा? ओड में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक बार यू, दूसरी बार यू, तीसरी बार यू, तो तीन बार कर दिया आपने, और तीन किसमें आता है? ओड में आता है, विषम संख्या में आता है। इसका मतलब आप कॉन्फिगरेशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा दोस्तों? एल रहेगा, तो इसका मतलब उसने डी पूछा था, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, कहानी खत्म। फिर देखो इसको, इसको गौर से देखो, सेकंड को, ये सेकंड क्या है दोस्तों? एक नंबर इस पे है, दो नंबर इस पे है, तीस नंबर इस पे है, तो वही है दोस्तों, ये एक्सरसाइज कर रहा है। इसको सीधा कर दो कि सीधा हो जाए भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? LDHD, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? OH। इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया दोस्तों? L। ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, हटा सावन की घटा, ठीक है। थर्ड पे आओ, अब थर्ड पे क्या करोगे दोस्तों? अब इसमें चेंज करो, अब LDHD वही है दोस्तों, LDHD में नो चेंज, इसको मत छेड़ो, इन तीनों को भागे, इसको LDHD को फिक्स कर दो और तीनों को आपस में रोटेट कर दो। तो CH2OH को यहां ले आए, ठीक है, तो H यहां पे आ गया, OH इधर है, ठीक है। एक बार तो आपने यू किया, दूसरी बार आपने यू कर दिया, इसका मतलब यहां पे H आ जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा। देखो OH किस साइड में आ गया? राइट हैंड साइड में, ड्राइवर साइड में आ गया। इसका मतलब क्या यूज करेंगे दोस्तों? D, और क्लासी साइड में होता तो क्या यूज करते हैं? L, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होता तो L यूज करते हैं। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया दोस्तों? थर्ड का D हो गया। यस करो, फोर्थ की कहानी बाकी है अभी। फोर्थ की कहानी क्या है दोस्तों? बाकी है, तो फोर्थ ऑप्शन ले लो, देख लो क्या कह रहा है दोस्तों फोर्थ। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो जरा क्या दे दिया, LDHD फिक्स है, फिर CH2 और OH, CH2 और OH यहाँ है तो OH यहाँ पे आ गया। यस करो, अब आपको पता है एक ही बार स्विच हुआ है तो इवन नंबर में स्विच कर रहे हैं, तो OH को इस साइड में आ जाएगा और H इस साइड में आ जाएगा। देखो किस साइड में? खलासी साइड। तो अपना आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? डी पूछा गया था, डी आंसर अपना कौन सा है? थर्ड। यस करो, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा है सवाल? नंबर 27। टोटोमेरिज्म की बात हो रही है, चलावेता प्रदर्शित करेगा दोस्तों। चलावेता कौन प्रदर्शित करता है? अल्फा एच एस पी थ्री, मेनली जनरली की बात हो रही है। एस पी कैसा होना चाहिए? थ्री, हाइड्रोजन साइनाइड को छोड़कर, एच सी एन को छोड़कर, उसमें एस पी होता है ना, जनरली यही होता है। अल्फा एच कैसा होना चाहिए? एस पी थ्री हाइब्राइड होना चाहिए, तभी वो क्या शो करेगा? टोटोमर शो करेगा। तो इसके पास अगर अपन बात करें तो देखो एक नन्ही सी जान पर तीन तीन सी एस थ्री लगे हुए हैं, CH3, 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 और यहाँ पे क्या दे दिया? NO, नाइट्रोसो ग्रुप दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है दोस्तों, तो कहानी खत्म है इसकी। ये जी आई शो, सॉरी, चलावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता, यानी कि टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इसकी अगर अपन बात करें तो ये 2 डिग्री एमाइन है, देख लो HCS3, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसकी कहानी तो अलग ही है, ठीक है। कोई डबल बोन, कोई फंक्शनल ग्रुप, ये तो क्या कर सकता है? 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकता है बस, 2 डिग्री में है, 1 डिग्री में जा सकता है, और कुछ नहीं कर सकता, टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। फिर अगर अपन बात करें तो थर्ड ऑप्शन की, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और यहाँ पे N डबल बोन O और O, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है दोस्तों, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसकी भी कहानी खत्म है। फिर अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे दिया? RCH2, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप फिर दे रखा है। नाइट्रो के घर पे गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, नाइट्रो के घर पे एसी लगवा दो, एसी नाइट्रो, यानी कि ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, नाइट्रो के घर पे एसी लग गई तो क्या बन जाएगा? एसी नाइट्रो। तो इसका मतलब ये चलावेता प्रदर्शित करेगा टोटोमेरिज्म। कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? फोर्थ। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है दोस्तों? 28।
क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी आइसोमर की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है, संरचनात्मक समावयता की बात हो रही है, ठीक है। तो CH3, CH2 और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे दोस्तों, CF, ये तो लगाओगे, ये बन गया आपका, देख लो पहले 7 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3, 2, 2, 7 हो गए, ठीक। एक Cl लगा दिया, आप क्या क्या बना सकते हो दोस्तों, एक तो ये आपने क्या बना दिया, N प्रोपाइल क्लोराइड बना दिया, फिर दो नंबर पे लगा दो दोस्तों CH3, CH, CH3, एक Cl, क्या इसमें कायरल है, कायरल है ही नहीं, केवल उसने संरचनात्मक समावयता की बात की है, इसका मतलब एक तो 1 क्लोरो बन सकता है, एक 2 क्लोरो बन सकता है, 3 पे लगाओगे तो वापस 1 क्लोरो हो जाएगा, इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यानी कि 2 आइसोमर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या दे दिया दोस्तों, 29 नंबर सवाल, देखो तो 29 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो इसका IUPAC नेम पूछा गया है, देख लो IUPAC नेम CH3, CH, CH2, CH2, COOH और यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, OH लगा दिया। देखो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में क्या देखा जाता है दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जूनियर फंक्शन ग्रुप देखा जाता है। OH क्या है, जूनियर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, हाइड्रोक्सी, ठीक है, तो 4-hydroxy, क्या नेम हो जाएगा दोस्तों, 4-hydroxy, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, COOH को नंबर शो हुआ है तो ओइक एसिड, तो ये इसका नेम हो जाएगा 4-hydroxy पेंटेनोइक एसिड, यही अपना आंसर हो गया, यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बेहद ही प्यारा सा सवाल और बिल्कुल आसान सा सवाल, ठीक है। एक बार क्या हुआ, CH3 घर से खेलने के लिए गया, काफी देर हो गई वो आया नहीं, तो उसकी मम्मी ने आवाज दी, अब छोटे बच्चे घर से खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं, आजकल तो खैर कोरोना काल चल रहा है इसका मतलब नहीं जाते, ठीक है। तो घर से बाहर खेलने के लिए गया, काफी देर हो गई आया नहीं, तो उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, मेथाइल, ओ मेथाइल, तो क्या है, CH3, ओ CH3, तो साथ में इसको लेकर आया जब भी आया, ठीक है, तो CH3, ओ CH3। अब क्या देखा जाता है दोस्तों, जब भी इथर का नाम किया जाता है तो क्या करते हैं, जो ग्रुप छोटा होता है, जो ग्रुप क्या होता है, छोटा, CH3, CH3 दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो जो ग्रुप छोटा होता है, छोटे ग्रुप के साथ में क्या लगा देते हैं, छोटा, टेलीग्राम लिखा होगा आपने, है ना, 10वीं बारे में इंग्लिश का पेपर दिया है तब, ठीक है, तो ये क्या है, छोटा, तो छोटा का मतलब क्या हो गया, 6, ठीक है, जितने कम वर्ड लिखते हैं उतने ही कम पैसे लगते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा वर्ड लिखते हैं टेलीग्राम में उतने ही ज्यादा पैसे लगते हैं, मैं टेलीग्राम इसकी बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम जो भेजा जाता है तुरंत, ये क्या है, छोटा, छोटे के साथ में क्या आएगा दोस्तों, ऑक्सीजन आएगा, उसके लिए ऑक्सी यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, दोनों एक जैसे हैं तो क्या नाम हो जाएगा, मैथोक्सी, ठीक है, ऑक्सीजन लगा देंगे, मैथ एक कार्बन है तो मैथ, और क्या नाम हो जाएगा, मीथेन, मैथोक्सी मीथेन, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखो CH3O और यहाँ पे CH2CH3, अब छोटा कौन सा है, ये तो है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, मिथोक्सी, है ना, सिंगल कार्बन है तो मैथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, क्या नेम हो गया, मिथोक्सी, और दो कार्बन के लिए एच, सिंगल बोन के लिए एन, ठीक है, मिथोक्सी इथेन, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड, यस करो। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 31 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, IUPAC नाम पूछा गया है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है दोस्तों, एल्डिहाइड, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, कहां से, 1, 2, 3, 4, 5, ये हाइड्रोक्सी है और ये क्या है दोस्तों, मिथाइल है, ठीक है, तो H पहले आता है या फिर CH3 पहले आता है, यानी कि M पहले आता है, तो H पहले आता है, स्वाभाविक सी बात है, 4 नंबर पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, हाइड्रोक्सी, और 2 नंबर पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, पेंट, सिंगल बोन के लिए N, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, L, पेंटेनल, तो 4-hydroxy, 2-methyl pentanyl, 4-hydroxy, 4-hydroxy, ठीक है, और 2-methyl pentanyl, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड आंसर हो जाएगा, यस करो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, IUPAC नेम की बात कर रहे हैं, अब आपको पता है दोस्तों, जब भी IUPAC नेम डबल बोन और ट्रिपल बोन को सेम नंबर मिल रहा है तो डबल बोन से करते हैं, डबल बोन और ट्रिपल बोन को सेम नंबर नहीं मिलता तो कहानी कहां से रखी जाती है, वहीं से रचते हैं दोस्तों, जहां से जो नजदीक में होता है, तो देख तो देखिएगा दोस्तों, डबल ट्रिपल बोन यहां फर्स्ट नंबर पे है, यहां डबल बोन सेकंड नंबर पे है, तो नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, जो नजदीक में है, नजदीक में कौन है, ट्रिपल बोन या डबल बोन, ट्रिपल बोन है तो ट्रिपल बोन से करेंगे,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 6 नंबर पे क्या है दोस्तों, क्लोरो मिथाइल इथाइल, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिख दो। 6 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, क्लोरो, 6 क्लोरो। 4 नंबर पे क्या लगा रखा है, C2H5 यानी कि इथाइल। 5 नंबर पे क्या लगा रखा है दोस्तों, मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने हैं दोस्तों, 7 निभाना साथिया हेप्ट। कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, पहले इन आएगा, ठीक है, इन पहले आएगा। और 1 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, आइन। देख लो कौन सा आंसर आ जाए, 6 क्लोरो 4 इथाइल 5 मिथाइल, 6 क्लोरो 4 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट, और 5 इन और 1 आइन, इसका मतलब फर्स्ट ही आंसर हो गया। और कोई हो सकता है क्या, देख सकते हैं हम, 6 क्लोरो 4 इथाइल, क्या ये हो सकता है, 4 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट 1 आइन, आइन पहले लिख दिया, यहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो नंबरिंग किस ओर से करेंगे, डबल बोन ट्रिपल बोन को सेम नंबर मिल रहा है तो डबल बोन से करते हैं, डबल बोन और ट्रिपल बोन को सेम नंबर नहीं मिल रहा तो जो नजदीक में वहीं से करते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट फिर नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है दोस्तों, 33 नंबर सवाल, IUPAC नेम पूछा गया है दोस्तों, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, OH है, डबल बोन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी या डबल OH को, मेन फंक्शन ग्रुप को, कौन है भला, OH, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या लिख दोगे दोस्तों, 2 नंबर पे कौन है, क्लोरो, 6 नंबर पे 6 कार्बन के लिए हेक्स, कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 नंबर कार्बन के बाद में क्या आ रहा है, डबल बोन, तो इन, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, ओल, 2 ओल, देख लो कौन सा आंसर है, 2 क्लोरो 2 क्लोरो, ठीक है। और फिर अपने क्या दे रखा है दोस्तों, हेक्स, आई नहीं रहा ना, तो 2 क्लोरो हेक्सीन, ये लिख दिया ना, तो इसका मतलब 4 इन है, ठीक है, वर्ड रूट के आगे भी लगाया जा सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है, तो 4 इन और फिर 2 ओल, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो गया आपका 4th, गेस करो, जी हां। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों, 34 नंबर सवाल, IUPAC नाम पूछा गया, बिल्कुल आसान सा नाम है दोस्तों, देख लो क्या लिख सकते हो, CH2 की 4 दे रखा है, मतलब कितनी बार, CH2 4 बार, और फिर लास्ट में क्या दे रखा है, COOH, और इधर क्या दे रखा है दोस्तों, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है। अब IUPAC में अगर अपन बात करें, अगर मेन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप काउंट होता है, अगर मेन चेन स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में लास्ट टर्मिनल एंड पर अगर एल्डिहाइड लगा हुआ, तो उसको IUPAC में काउंट करते हैं, फिर उसको नंबर देते हैं, वर्ड रूट में काउंट करते हैं, ठीक है। केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही ऐसे ग्रुप हैं जो कमीने हैं, कीटोन तो कमीना होता है, क्यों, क्योंकि बीच में आता है, इसलिए हमेशा उसको तो नंबर मिलता ही मिलता है। और एल्डिहाइड को कब नंबर मिला जाता है, जब टर्मिनल एंड पे और कोई ग्रुप ना हो, तो उसको मेन चेन में काउंट किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसको मेन चेन में काउंट करेंगे। अब 6 के लिए क्या यूज करेंगे, 6 ऑक्सो यूज करेंगे। अब कीटोनों के लिए भी ऑक्सो यूज करते हैं और एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो यूज करते हैं, कीटोन के लिए कीटो भी यूज करते हैं। अब इसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भला, ऑक्सो। अब एल्डिहाइड और कीटोन में इतना सा फर्क है कि एल्डिहाइड तो लास्ट में मिलेगा और कीटोन बीच में मिलेगा, ठीक है। तो 6 ऑक्सो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो क्या नेम हो जाएगा, 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, यानी कि ये 4th आंसर हो गया। देखो फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड, अब फॉर्माइल कब यूज करते हैं, जब इसको मेन चेन में काउंट नहीं करते, फॉर्माइल कब यूज करते हैं, जब उसको मेन चेन में काउंट नहीं करते। फॉर्माइल अगर आप लिखोगे तो फॉर्माइल लिख सकते हैं, गलत नहीं है, अगर ऑप्शन में वो ये नहीं है तो वो होगा, ठीक है, वो नहीं है तो ये होगा। फॉर्माइल लिखोगे तो टोटल मेन चेन में कार्बन 5 ही मानोगे, फिर इसको मेन चेन में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे, 5 फॉर्माइल, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, मात्र 4th, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा 35 नंबर सवाल, निम्न में से एल्केन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन किस में प्रेजेंट है दोस्तों, यही पूछा गया है। फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ ऐसा दे रखा है, CH3 एक नन्ही सी जान पर CH3 और यहाँ पे H लगा दिया, इसका मतलब ये 3 डिग्री है और ये कौन सा है, 1 डिग्री, यस कनो, 2 टाइप के हैं। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, इथाइल लगा दिया, CH3 CH2 CH CH2 CH3, 3 बार लगा रखा है ना इथाइल, तो यहाँ पे इथाइल इथाइल डिग्री है दोस्तों, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन इसमें प्रेजेंट नहीं है, 1 कार्बन अटैच अदर 1 कार्बन 1 डिग्री 1 कार्बन अटैच अदर 4 कार्बन 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, तो इसमें 4 डिग्री नहीं है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो देखो
एक नन्नी सी जान पर तीन CS3 लगा रखे हैं, तो लिख लो CS3 CS3 CS3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दे दिया CH2, फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों CH CS3 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 टू टाइम है, तो आपने खोल के लिख दिया CH3 CH3। देखो 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो ये तो आपको पता ही है, नियो पेंटेन दे रखा है, इसका मतलब ओनली ऑन क्या है 4 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन है। और हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एल्कीन एंड एल्केन के जनरल फॉर्मूले की बात हो रही है। अब अपने को पता है और क्या पूछा गया है, जनरल फॉर्मूला पूछा गया है, तो क्या दे रखा है अपने को, एल्कीन एंड एल्केन का पूछा है। अब एल्कीन का क्या होता है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो CnH2n, ये तो क्या है एल्कीन का। एल्केन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल पहली क्लास का, ठीक है, क्या जाता है 2, ठीक है, CnH2n+2, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे CN और यही आपका आंसर हो गया। यस कनु, जी हाँ, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए कैसा सवाल है, पिक्रिक एसिड, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 2018 में भी ये पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, कि सबसे पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर पूछी गई थी और अपने यहाँ पे पूछा गया है, ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो पिक्रिक एसिड इज मोर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पिक्रिक एसिड। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा NO2। अब मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, OH, तो 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, क्या बोलते हैं फिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेंजोइक एसिड कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना, कौन सा है OH है, इसका मतलब क्या आ जाएगा फिनोल, कौन सा आंसर मिला, फास्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा है, सवाल नंबर 38 देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, IUPAC नेम पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आसान, एसिड एसिड क्लोराइड दे रखा है, यानी कि एसिड डेरिवेटिव दे रखा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और एसिड डेरिवेटिव में क्या दे रखा है, एसिड क्लोराइड, ठीक है, यानी कि 1 2 3, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, CH3CO CO Cl है, CO Cl एसिड हैलाइड, ठीक है, तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे ये CH3 है, तो क्या यूज करोगे दोस्तों, 3-methyl, क्या नेम लिखोगे, 3-methyl, 5 कार्बन के लिए क्या नेम हो जाएगा, pentane, सिंगल बॉन्ड के लिए, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, OL और CL के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, क्लोराइड का इस्तेमाल करोगे, यस करो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, देखो 3-methyl pentanoyl chloride, 3-methyl pentanoyl chloride, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा साहब, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा है 39 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है दोस्तों, एक्राइल कब यूज करते हैं ये बताओ पहले, तो एक्राइल दोस्तों कब यूज किया जाता है, एक्राइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, 3 हो, और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट नंबर पे मेन फंक्शन ग्रुप हो, तो एक्राइल यूज करते हैं, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे COOH दे दिया, तो 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हो, ठीक है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट नंबर पे मेन फंक्शन ग्रुप हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्राइल, ठीक है, सिंपल नेम है ये, कॉमन नेम। अब इसके लिए क्या यूज कर देंगे, एक्राइलिक एसिड। अब LDH लगाना है तो क्या यूज कर देंगे दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे LDH ग्रुप, 1 2 3, एक्राइल LDH, एक्रोलीन भी बोला जाता है इसको, इसको एक्रोलीन भी बोलते हैं, एक्राइल LDH भी बोलते हैं, ठीक है, और IUPAC नेम क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, और 2 नंबर पे क्या है दोस्तों, इन, और 1 नंबर पे क्या है, एल, 1 यूज करना है तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है, तो प्रोप, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोप टू इन वन एल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, IUPAC नेम पूछा है, कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों, बेहद ही प्यारा सा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल, ठीक है, IUPAC नेम पूछा गया है, किसके अकॉर्डिंग, EZ के अकॉर्डिंग, ठीक है, EZ, अब सेम ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सिक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस बोल देंगे,
ठीक है, उसके लिए ई जेड वो ई भी हो सकती है, वो जेड भी हो सकती है, वो तो किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिक्वेंस रूल पे, ठीक है। यानी कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में है तो क्या यूज करेंगे, जेड यूज करेंगे, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, ई यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन, ये तो होगा। यानी कि अगर यहाँ पे बना लें, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, तभी तो ये जी आई प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, एच, और यहाँ पे क्या जाएगा, एच, 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग कर लो। अब फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा और सेकंड नंबर इसको मिलेगा, फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा और सेकंड नंबर किसको मिलेगा दोस्तों, इसको मिलेगा। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है दोस्तों, इसको सेकंड नंबर और इसको फर्स्ट नंबर, हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, यही है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप को फर्स्ट नंबर और इसको क्या मिलेगा, सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है दोस्तों, अपोजिट साइड में है तो क्या यूज करेंगे बताओ, ई यूज करेंगे। अब ये कौन से नंबर पे है, 1 2, तो दो ई लगा दो, ठीक है, दो नंबर पे डबल बोन है, 1 2 3 4 नंबर पे है, इसका मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या मिलेगा दोस्तों, 2 नंबर, इसको फर्स्ट नंबर और इसको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 नंबर, हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे दोस्तों, ई यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2E4E देख लो किसमें है, मात्र फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं दोस्तों, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 है। कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 और 4 नंबर पे है, 2 4 हेक्सा, हेक्स और ए क्यों यूज किया है, मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए वर्ड रूट के साथ में ए लगा देते हैं, तो हेक्सा, ठीक है। और डाइईन कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 41 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो देखिएगा दोस्तों, IUPAC नेम पूछा गया है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, अल्कोहल, तो काउंटिंग अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4, ये क्या है दोस्तों, ईथर सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए मेथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज कर देंगे, ऑक्सी, कौन से नंबर कार्बन से अटैच है, 2 नंबर पे, 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, ओल, ठीक है। अब कौन से नंबर पे है, 1, तो 1 आगे लगा देंगे, ठीक है, या 1 ओल लिख दो, एक ही बात है, तो 2-methoxy-1-butanol, 3-methoxy-2-methoxy-1-butanol, एल तो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो 42 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 42 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है, 1 डिग्री होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, आइसोब्यूटेन, कैसो, आइसो, आइसोब्यूटेन, तो ये होता है दोस्तों, इसका मतलब इसके पास 1 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है, 2 टाइप के हो गए, उसने कहा है कि ओनली 1 डिग्री, 2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए बात करें तो CH3, CH, CH, CH3, और 2 और 3 नंबर दोनों पे क्या है, CH3, CH3, तो ये भी 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसका मतलब इसमें भी 2 टाइप के हो गए, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में क्या हो गया दोस्तों, 2 डिग्री, इसका मतलब इसमें भी 1 डिग्री नहीं है। प्रोपाइन, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है दोस्तों, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डिग्री पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालता, ओनली ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसके पास है नहीं, इसके पास 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है, फोर्थ के पास, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल देखिएगा बेटा, 43 नंबर सवाल, मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ग्रुप अगर मोर देन 1 है तो अपन नंबरिंग इधर से करेंगे कि मेन फंक्शन ग्रुप के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लेस नंबर मिल जाए, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। 2 नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर क्या लगा देंगे, 2-4 नंबर पे डाई, और लास्ट में ओल, देख लो, 2-methyl pentane 2-4-diol, और ये CN मेन फंक्शन ग्रुप है, मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट है अगर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, यानी कि 2 से ज्यादा आ जाए, तो तीनों को ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि तीनों मेन फंक्शन ग्रुप है, किसको लें किसको छोड़ें, इस कंडीशन में 1 2 3, तीनों को छोड़ोगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखो 2-methyl किसमें है भला, 2-methyl pentane
2,4-diol और क्या दे रखा है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, 44 नंबर सवाल, IUPAC नाम पूछा गया, बिल्कुल आसान सा कीटोन दे रखा है दोस्तों, CH3CO CH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3CH3, मेन फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर मिलना चाहिए दोस्तों, नंबरिंग अपन उधर से करेंगे जिधर से मेन फंक्शन ग्रुप को लेस नंबर मिले, इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब कम नंबर मिलना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या है दोस्तों, मिथाइल, तो क्या यूज करेंगे 3-methyl, और क्या यूज करेंगे 4-carbon के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और दो नंबर पे क्या है ओन, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे बता दो, 2-methyl 3-butanone, नानजीना क्या यूज करेंगे 3-methyl 2-butanone, जी हाँ ये यूज करेंगे, कौन सा आंसर आ जाएगा फोर्थ। यस करो नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देख लो भला, 45 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें सबसे ज्यादा हो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इसका मतलब स्ट्रेट जो दिखाई दे रही है इसका मतलब वो क्या है लॉन्गेस्ट चेन है, फिर अपन काउंटिंग करेंगे। ये देख लो ये कौन सा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है भला आइसोप्रोपाइल, CH CH3 CH3, आइसो कब यूज करते हैं टर्मिनल एंड से सेकंड नंबर पर, सिंगल CH3 है तो क्या यूज किया जाता है दोस्तों आइसो यूज करते हैं, या फिर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो 1, 2, 1, 2, अब इसको 1, 2 नंबर दोगे मेन चेन को तो इसके लिए 1-2- यूज कर सकते हो, 1- पे क्या है दोस्तों CH3 methyl, ठीक है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बैठा हो तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे इथाइल, तो क्या नेम हो गया 1-methyl ethyl, ये प्योर IUPAC नेम है, आइसोप्रोपाइल का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है अब देखिए, अब ये क्या है मिथाइल, क्या है भला मिथाइल, तो काउंटिंग करिए दोस्तों उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेस नंबर मिले, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 फोर्थ पे आ रहा है, इसका मतलब 4, 5, 6, 7, 8 सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलना चाहिए, तो ये तो मिथाइल है और ये क्या है 1-methyl ethyl है, तो अगर मिथाइल लिखेंगे तो इसका नेम क्या आएगा दोस्तों पहले आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगल मिथाइल है और ये मिथाइल इथाइल भी है। ठीक है तो क्या नेम लिखोगे 3-methyl 5-methyl ethyl और ऑक्टेन, देखो कौन सा है, क्या लिखोगे 3-methyl 5-methyl ethyl ऑक्टेन, इसका मतलब ये दोस्तों IUPAC नेम है। ठीक है और अगर अपन बात करें तो ये नाम लिखते तो आइसो पहले आता, आइसो प्रोपाइल आई पहले आता है, ठीक है आइसो नियो इनको मेन चेन यानी कि अल्फाबेट में काउंट करते हैं, ठीक है अल्फाबेट में देखते हैं साइक्लो नियो आइसो, ठीक है सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी इनको शो नहीं करते अल्फाबेट में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 46 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों मेन फंक्शन ग्रुप कौन है एल्डिहाइड, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो है मेथॉक्सी और ये है नाइट्रो, ठीक है तो पहले कौन आएगा मेथॉक्सी, तो क्या यूज कर दोगे दोस्तों 4-methoxy, M पहले आता है और 2-nitro, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे बेंजल्डिहाइड, या फिर यानी कि बेंजल्डिहाइड यूज करो या बेंजीन कार्बल्डिहाइड यूज करो, ठीक है जो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो 4-methoxy 2-nitro, 4-methoxy 2-nitro बेंजल्डिहाइड, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यस करो जी हाँ। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा दे रखा है 47 नंबर सवाल, देखो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो देख लो भला ये दे रखा है दोस्तों कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है यानी कि ऐसा ही दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये काउंटिंग होती है, सबसे पहले बड़ी वाली रिंग को नंबर देते हैं उसके बाद में छोटी वाली को, ये तो बराबर ही है, ये भी 6 मेंबर है और ये भी 6 मेंबर है, ठीक है किसी को दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक ही बात है, तो ये आपने दिया देखो एक, फिर क्या यूज करोगे बाईसाइक्लो, क्या यूज किया आपने बाईसाइक्लो, अब देखो एक और चार के इस साइड में कितने कार्बन है दो, एक और चार के इस साइड में कितने कार्बन है देखो दो कार्बन, फिर दो, एक और चार के बीच में कितने कार्बन है ये दो कार्बन है, 7 और 8 नंबर कार्बन यानी कि दो, ठीक है तो 222 हो गया 222, और कितने कार्बन टोटल 8 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे ऑक्टोपस बना देंगे यानी कि ऑक्टेन, ये इसका क्या हो गया दोस्तों IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है 48 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों हाउ मनी 1 डिग्री
वन डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन ट्रिप्टेन। अब ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन क्या होता है दोस्तों, आइसो ऑक्टेन में से एक कार्बन खा जाओ, ठीक है। आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शन है CH2 जिसके लिए आइसो यूज नहीं होता, यानी कि नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो आइसो किसके लिए यूज किया जाता है, आइसो यूज किया जाता है टर्मिनल एंड से सेकंड नंबर कार्बन पर, सिंगल CH3 है तो आइसो यूज करते हैं, लेकिन ये आइसो ऑक्टेन है। क्या है? आइसो ऑक्टेन है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसके लिए अपने आइसो ग्रुप यूज नहीं करते, ठीक है। अब इसमें से एक CH2 हटा दो, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है CH3, इसको बोलते हैं ट्रिप्टेन। क्या है? ट्रिप्टेन। अब वन डिग्री का पूछा है दोस्तों, वन डिग्री प्राथमिक कार्बन, तो वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 कितने हैं दोस्तों, वन डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करें तो 5 है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, 49 नंबर सवाल, देखो हाइड्रोजन न्यूनता पूछी गई है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ये झंडू बाम की तरह है दोस्तों, झंडू बाम तो एक बाम तीन काम होते हैं, लेकिन इसके कई नाम है लेकिन काम एक ही है, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, DU भी इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी इसे कहा जाता है, यानी कि असंतृप्ता की कोटि भी इसे कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी भी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है अपने को, DU जैसे भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं भला बताइएगा, DU देखा जाता है दोस्तों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग से, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग से, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी है। अब पाई बॉन्ड देखो कितना है, एक तो ये रहा पाई, एक ये रहा पाई, ये भी पाई, ये भी पाई और ये भी पाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, 3 4 और 1 5, 5 तो पाई बॉन्ड है प्लस 2 रिंग है, 2 क्या है रिंग है। तो DU कैसे देखा जाता है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी कैसी देखी जाती है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग से देखी जाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5 है, रिंग 2 है, इसका मतलब कितने आ जाएंगी, 7, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो 50 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहजातीय नहीं है, यानी कि कौन नहीं है दोस्तों, होमोलोगस नहीं है, होमोलोगस कौन नहीं है, होमोलोग, ठीक है। होमोलोग की अगर अपन बात करें तो आपको पता है दोस्तों, जनरली अगर अपन बात करें तो सिंगल CH2 का डिफरेंस होता है और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि जाति सेम होनी चाहिए, एक ही परिवार के लोग होने चाहिए, जैसे एल्केन एल्केन एल्केन, एल्कीन एल्कीन एल्कीन, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप सेम, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि क्या होनी चाहिए दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वो क्या है दोस्तों, होमोलोगस है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों, डिफरेंट होनी होनी है वो तो, ठीक है। चलो देखिएगा दोस्तों, अब ये क्या है एल्केन और ये भी क्या है एल्केन, इसका मतलब ये तो होमोलोगस है, ये देखिए एल्केन ये भी एल्केन, इसका मतलब ये भी होमोलोगस है। अब इसको प्यार से देखिए, ये कैसा है एस्टर और ये भी कैसा है एस्टर, इसका मतलब ये भी होमोलोगस है। अब देखो ये कैसा है दोस्तों, 2° amine और ये कैसा है 3° amine, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया दोस्तों, 1° 2° 3° amine RFGI, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं दोस्तों, ये होमोलोगस नहीं हो सकते, होमोलोगस या तो 2° 2° वाले होते हैं या फिर 3° 3° वाले होते हैं, इसका मतलब ये होमोलोगस आपस में नहीं है, ये FGI हो सकते हैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्तों सेम है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े, 51 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम, अमोनियम साइनेट, आपको याद आ रहा होगा अमोनियम साइनेट से दोस्तों यूरिया बनाया गया था, किसने बनाया था, वुलर नाम के बंदे ने बनाया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था दोस्तों, जो लेबोरेटरी में बनाया गया था वो कौन सा था, यूरिया था, और एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए किसको बनाया था दोस्तों, वो बनाया गया था आपका कौन बताइए, एसिटिक एसिड, जो पिछले पेपर में जो हुआ था अपने बायोकेम टेस्ट सीरीज का उसमें आपको मिला था वो सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों तो अमोनियम साइनेट क्या होता है दोस्तों, NH4OCN, ये अमोनियम साइनेट है दोस्तों, अमोनियम साइनेट यानी कि NH4 पे पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास क्या है दोस्तों नेगेटिव चार्ज और NH4 पॉजिटिव है, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके पास 4 है, इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसका तो sp3 है,
इस नाइट्रोजन का क्या है दोस्तों, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp, कौन सा हुआ sp, तो NH4 का तो sp3 और नाइट्रोजन का क्या है sp, तो कौन सा हो गया ओनली sp3 नहीं, ओनली sp2 नहीं, sp3 sp2 ना जी, sp3 sp, यस करो, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे दिया, 52 नंबर, क्लोरीटोन, ये दोस्तों निंद्राकारी होता है, हिप्नोटिक होता है, खाने के बाद में नींद अच्छी आती है दोस्तों, आपको इस्तेमाल नहीं करना है इसका कि खा के सो जाओ, नहीं, एक अच्छी रैंक हासिल करनी है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है, समाज सेवा करनी है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो क्लोरीटोन, क्लोरीटोन क्या होता है दोस्तों, एसीटोन दे रखा है आपको, एसीटोन, कैसी, एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन जब अपन किसके साथ करवाते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, एसीटोन बनता है, कैसीटोन, CCl3, यहाँ पे OH और CS3, ये आपका है क्लोरीटोन, क्या है भला, क्लोरीटोन, ये निंद्राकारी होता है, हिप्नोटिक होता है, खाने के बाद में नींद अच्छी आती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है आप बताइए, OH है, अब मेन चेन में किधर सेलेक्ट करेंगे, इधर तीन Cl है और इधर CS3 अकेला है, तो बताओ किधर, इधर से 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम लिखोगे 1 1 1, तीन बार आ रहा है तो ट्राई, सीएल के लिए क्या यूज करोगे, क्लोरो, और टू नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, टू मिथाइल, ठीक है, और तीन कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और टू नंबर पे क्या है दोस्तों, ओल, टू नंबर पे क्या है दोस्तों, ओल, टू प्रोपेनोल, तो देख लो 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो टू मिथाइल, 1 1 ट्राई क्लोरो टू मिथाइल, और 1 1 ट्राई क्लोरो टू मिथाइल टू प्रोपेनोल, यस नो, जी हाँ, कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा सवाल दे रखा है, 53 नंबर सवाल, मैक्सिमम मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिफर्ड बाय एल्डिहाइड शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब एल्डिहाइड के लिए कितने कार्बन चाहिए कम से कम कि वो पी आई शो करे, एल्केन में पी आई के लिए कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन, कितने, 6 कार्बन चाहिए एल्केन के लिए, यहाँ एल्डिहाइड दे दिया दोस्तों, अब एल्डिहाइड आपको पता है दोस्तों 1 2 3, और अगर अपने यहां लगा दें एल्डिहाइड, एक कार्बन यहां CS3 लगा दिया, अब इस CS3 की पोजीशन चेंज कर दें, 1 2 3 4, यहां एल्डिहाइड लगा रखा है, तीसरे नंबर पे लगा दिया, तो देखो नंबरिंग 1 2 3, पहले इसका नेम था 2 मिथाइल, अब इसका नेम क्या हो गया दोस्तों, 3 मिथाइल, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई दोस्तों, डिफरेंट हो गई, इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया आपस में, पीआई का हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पीआई इसका मतलब वो जिंदगी जी आई, अगर चार कार्बन लेते यानी कि चार कार्बन का एल्डिहाइड लेते तो क्या कुछ ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था दोस्तों, 1 2 3, अगर इस CS3 को लगाओगे तो ये सीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पीआई नहीं कहलाएगा, तो कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको, 5 पीआई के लिए, एल्केन में पीआई के लिए आपको 6 कार्बन चाहिए, यस करो, चलो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, 54 नंबर सवाल, देखो दोस्तों निमन में से कौन सा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3, ठीक है, यहां पे अगर अपन बात करें तो है दोस्तों ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ब्रिज हेड एटम कैन नॉट शो टोटोमेरिज्म, यानी कि ब्रिज हेड एटम पर प्रेजेंट हाइड्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म, बिकॉज ब्रिज हेड एटम कैन नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, ब्रिज हेड एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है दोस्तों वो चलावेता में भाग नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये चलावेता में भाग ले लेगा, चलावेता में भाग ले लेगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी दोस्तों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लेनर हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्लेनर, और ब्रिज प्लेनर नहीं हो सकता, ब्रिज तो कैसा हो सकता है दोस्तों, ब्रिज के रूप में ही हो सकता है, जैसे ही sp2 हो गया तो इसका मतलब प्लेनर हो गया, समतलीय हो गया, समतलीय होता है फिर ब्रिज तो क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों, ब्रिज तो रहा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं आ सकता दोस्तों, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो ब्रिज हेड एटम के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, और ये हाइड्रोजन चलावेता में भाग भी नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी नहीं हो सकती, प्लेनर नहीं हो सकती दोस्त, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इसकी अगर अपन बात करें तो ये लो जी हाइड्रोजन है, कूद कूद के करेगा, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी करेगा, अब ये भी हाइड्रोजन कर सकता है लेकिन मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये है ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, लंबे अनुनाद के कारण, तो कौन सा आंसर आ जाएगा जो चलावेता प्रदर्शित नहीं करेगा दोस्तों, सेकेंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा आ गया, 55 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों टोटोमेरिज्म
बताइए कौन सा टोटोमेरिज्म यानी कि टोटोमर्स फॉर्म है जो जीआई शो करेगी। जीआई शो करने की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रो के घर पे क्या लगवा दो दोस्तों, SC नाइट्रो लगा दो। क्या ये चलावेता तो चलावेती हो गया, लेकिन क्या ये जीआई प्रदर्शित कर रहा है? नहीं कर सकता, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ये यहां बनाओगे तो ऐसा जाएगा। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जीआई इन साइक्लोएल्केन ड्यू टू डबल बॉन्ड। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए दोस्तों? 8 मेंबर की रिंग होनी चाहिए अगर डबल बॉन्ड के कारण ड्यू टू डबल बॉन्ड जीआई शो करवानी है तो। 8 कार्बन से लेस साइक्लोएल्केन ड्यू टू डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगी दोस्तों। क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू मोर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, उसकी ट्रांसपोजिशन में क्या होगा, मोर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन हो गई, बंद कोण विकृति सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगी, इसलिए उसकी ट्रांसपोजिशन नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। इसके लिए कितने चाहिए? 8। इसका मतलब ये भी शो नहीं कर सकती। ये शो कर सकता है दोस्तों, बनाइए तो जरा। ये नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना दो दोस्तों? ऑक्सीम। जी हाँ, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये H और CH3, ये GI शो करेगा, इसकी इनोल फॉर्म GI शो करेगी। ये आपको क्या दे रखा है? ऑक्सीम और नाइट्रोसो ऑक्सीम। ये नाइट्रोसो और ये क्या दे दिया दोस्तों? ऑक्सीम दे दिया, ठीक है। ये तो टोटोमर्स है लेकिन ये GI शो करता है। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ डबल बोन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH और यहाँ पे CH3। ये दोनों CH3 एक जैसे हो गए, ये भी शो नहीं कर सकता। कौन सा आंसर आ जाएगा? किसकी इनोल फॉर्म, टोटोमेरिक फॉर्म जो है वो GI शो करेगी, थर्ड की करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 56 नंबर, जब 1 मोल साइक्लोहेक्सेनॉन और 1 मोल LDHD के मिक्सर की अपन किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, एक्सेस में दे रखा है तो साइक्लोहेक्सेनॉन, तो ये दे दिया दोस्तों, ठीक है। और एक आपको क्या दे रखा है? एसिटाल्डिहाइड CH3, यहाँ पे डबल बोन और यहाँ पे H, ये दे दिया। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? ये करवानी है आपको हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है ये, CH2 मैकेनिज्म आपने पढ़ रखी है इसकी, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में अपन करते हैं इसकी मैकेनिज्म, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया? N और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीन, यही तो बना। तो CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बोन N और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों? OH, ये क्या है? लोन पेयर। क्या है दोस्तों? लोन पेयर। यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर। क्या ये GI शो करेगा दोस्तों? ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, एक लोन पेयर एक बोन पेयर है, लेकिन यहाँ CH2, 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 ये शो नहीं कर सकता। सिमेट्रिकल हो गया ना, एक जैसा हो गया, इसका मतलब ये GI शो नहीं कर सकता। इसका मतलब इससे रिएक्ट करने के बाद में ओनली ऑन सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ये अकेला ही बनेगा। इसकी अगर अपन बात करें तो ये दोनों ग्रुप देखो डिफरेंट है, ठीक है, और ये दोनों लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये GI शो करेगा, तो एक तो सिन बनेगी और एक एंटी बनेगी, तो दो कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। यस कि नो? ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े। तो कौन सा सवाल दे रखा है? 57 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोविंग कैन नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ऐसा कमीना है जो GI शो नहीं करेगा? तो देख लो दोस्त, क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोन कब यूज करते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, क्या हो? टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? 4 हो, और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट नंबर पे मेन फंक्शन ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। सिनेमिक एसिड क्या होता है दोस्तों? सिने में है एसिड, सिनेमिक एसिड, CH डबल बॉन्ड, ये सिनेमिक सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया? COOH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर रहा है, ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर रहा है, ये तो दोनों कर रहे हैं। मेलिक एसिड एप्पल में मिलता है दोस्तों, मेलिक एसिड, ठीक है, मेलिक एसिड नहीं है ये, मेलिक एसिड है। मेलिक एसिड किसको बोलते हैं? COOH, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ OH लगा देते तो वो टार्ट्रिक एसिड बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक OH है, ठीक है, एक ही OH है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको क्या बोला जाता है? मेलिक एसिड बोला जाता है। ये क्या GI शो करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, कैसे करेगा भला, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं कर सकता। फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ट्रांसपोजिशन, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? COOH। यस कि नो? मिल जाए वो मैलिक एसिड यानी कि COOH, दोनों एक ही साइड में सिस पोजिशन वो होती है, वो क्या होती है? मैलिक एसिड होती है, और ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड, यानी कि ये शाहरुख खान वाली कंडीशन, यानी कि ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो कौन GI शो नहीं कर सकता दोस्तों? मेलिक एसिड नहीं कर सकता। कौन सा आंसर आ जाएगा? 3। यस कि नो? यस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ
ऐसा ही पूछा गया है, स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर देख लो दोस्तों। स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो सी एच डबल बोन एन, इसको अलग लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर भी है और बोन पेयर भी है, यहाँ डबल बोन है और यहाँ पे क्या है OH, देखो ये डबल बोन जी आई शो करेगा, ये डबल बोन जी आई शो करेगा और ये कायरल कार्बन है, कैसा है, कायरल कार्बन है, ठीक है, तो एस सिमेट्रिकल कंपाउंड है, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 3, तो एस आई टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना आ जाएगा 2^3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4th, यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो क्या दे दिया आपने को 59 नंबर सवाल, कौन सा यौगिक क्या है दोस्तों प्रकाशिक एक्रिय है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसमें POS COS प्रेजेंट हो, POS COS प्रेजेंट हो, या जिसमें कायरल कार्बन विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी होंगे दोस्तों, अब इसमें क्या देखना है POS COS एब्सेंट हो। अब यहां पे देखो दोस्तों, इधर अगर अपन बात करें तो क्या है NH, इधर गए NH, इधर गए CO, इधर गए CO, इधर गए H, इधर गए H, इधर गए ME, इधर गए ME, इसका मतलब इसमें क्या हो गई COS हो गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई, इसका मतलब ये अकायरल हो गया, अकायरल होते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है दोस्तों, सिंगल कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। इसकी अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है आपको BR, BR, देखो CH3 CH3, अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखी जा सकती, sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट अगर आप CS इसमें COS देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते, इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, आपको न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आप COS देख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आपको COS नहीं चेक करनी, डायरेक्ट आपको क्या चेक करनी है POS चेक करनी है, ठीक है, तो इसमें POS नहीं है, इसका मतलब कहानी खत्म है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1st, ठीक है, इसमें COS प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया दोस्तों, देखो तो क्या दे रखा है भलन, क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन पूछा गया है दोस्तों, देखो तो जरा रिलेशन में क्या है, रिलेशन की अगर अपन बात करें ऑल कायरल कार्बन में ईच कायरल कार्बन में इवन नंबर में स्विच कर देंगे तो आइडेंटिकल बनेगा, ईच कायरल कार्बन में ओड नंबर में स्विच करेंगे तो इनेंसियोमर बनेगा, एक्सेप्ट मीजो, मीजो वाला ऑलवेज कैसा होगा आइडेंटिकल होगा, ठीक है, क्योंकि वो मिरर इमेज नहीं बना सकता, ठीक है, और अदर कॉम्बिनेशन आर डायस्टेरियोमर, सिस और ट्रांस इज ऑलवेज डायस्टेरियोमर, सिंगल कायरल कार्बन में यानी कि एक कायरल कार्बन में तो कैसा हो रहा हो भला, इवन नंबर में और एक में ओड नंबर में हो रहा है तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं डायस्टेरियोमर बोलते हैं, देखो तो जरा इसमें क्या है, अगर तीनों आपस में चारों अगर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है ओड नंबर में स्विच है, तीन लोग आपस में अगर एक्सचेंज हो जा रहे हैं तो इसका मतलब इवन नंबर में स्विच है, ये याद रखिएगा, ठीक है, अगर चारों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, चारों आपस में बदल जाते हैं अपनी पोजीशन तो इसका मतलब ओड नंबर में स्विच है तो वो इनेंसियोमर होगा, ठीक है, और अगर तीन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं एक वैसे का वैसा रहता है तो इसका मतलब इवन नंबर में स्विच है, देखो तो जरा ये एच यहां नहीं है, एक ये भी चेंज हो गया, ये भी यहां चेंज हो गया तो चारों आपस में चेंज हो गया, इसका मतलब ये इनेंसियोमर होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, कहानी खत्म है इसकी, ठीक है, यहां पे अगर अपन बात करें तो मीजो है, ये भी मीजो है, मीजो मीजो क्या होगा दोस्तों आइडेंटिकल होगा, कैसा होगा मीजो ड्यू टू मोलिकुलर सिमेट्री, ये क्या नहीं बनाएगा दोस्तों मिरर इमेज नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि इसको उठा के 180 पे रोटेट करके इसके ऊपर क्या हो जाएगा सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड के सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है बी आर, यहाँ पे एक दो सेकंड नंबर पे सी एल लगा दिया तो इसका मतलब आपने इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में काउंट हो गया, ये क्या नहीं हो सकता स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन बच गया दोस्तों ये 4th बच गया, इसकी कहानी है, ठीक है, यहाँ पे देख लो दोस्तों CH2Br, यहाँ CH2Br नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है देखो कितने लोग आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या चारों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, जी हाँ चारों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा इनेंसियोमर होगा, चारों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों ओड नंबर में स्विच हो गया, और ओड नंबर में स्विच वाला क्या होगा इनेंसियोमर होगा, कैसा है ये 4th है, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका राइट कौन सा है, राइट पूछा गया था कौन सा है 4th, यस करो, चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो दोस्तों करेक्ट रिलेशन पूछी गई है, क्या ये पोजीशन आइसोमर है, नहीं, 1, 2, 3 नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन तो ये क्या हो गया दोस्तों CI हो गया, पोजीशन नहीं है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे दिया एस्टर, यहाँ पे क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ओहो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ये क्या हो गया FZI में काउंट होगा, ये मेटावर्स नहीं हो सकता, मेटावर्स में क्या रहता है दोस्तों फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो OH CH2OH ये क्या है दोस्तों
एरोमेटिक अल्कोहल, और ये क्या है एलिफेटिक अल्कोहल, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या, अल्कोहल एंड फिनोल आर एफजीआई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इसका मतलब ये राइट है। फिर अगर अपन बात करें तो ये 2 डिग्री एमाइन है, ये भी कैसी है दोस्तों 2 डिग्री एमाइन है, देखो तो जरा इसमें दो कार्बन, इसमें 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, और किसके कारण हो गई, CH3 यानी कि ये वाला ग्रुप पहले एक नंबर पे लगा हुआ था, अब कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये वैसे आपस में दोनों आपस में मेटामर्स भी हैं, लेकिन मेटामर्स अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो CIPI की बात करेंगे, मेटामेरिज्म के साथ साथ CIPI हो सकती है, बट कंसिडर किसको करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी मेटामर्स को देंगे अगर मेटामेरिज्म ऑप्शन में है तो, ठीक है। अब है नहीं तो इसका मतलब ये PI भी है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है, मेटामर्स एज वेल एज PI, तो इसका मतलब तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और है क्या, जी हाँ, मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या है, स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकते दोस्तों, मेलिक एसिड तो अभी आपको पीछे सवाल में बात की थी, मेलिक एसिड एप्पल में मिलता है दोस्तों, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का एक OH खा जाओ उसको क्या बोलेंगे, मेलिक एसिड, और आपको पता है दोस्तों क्या, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड तो ट्रांसपोजिशन होती है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, नहीं है इसका मतलब क्या नहीं है, DNA मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपस में आइसोमर नहीं हो सकते, ठीक है, तो तीसरा और चौथा राइट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो क्या दे दिया आपने को, 62 नंबर सवाल ये दे रखा है, C6H3 बेंजीन युक्त, बेंजीन वाले एक बेंजीन होनी चाहिए दोस्तों, अब एक बेंजीन और यहाँ पे कितने CL, 3 CL, एक कार्बन पर 2 CL नहीं लगा सकते दोस्तों, एक कार्बन पर क्यों, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो कार्बन की हद से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या कर सकते हो दोस्त, आप इसको कॉर्नर मेथड भी बोलते हैं, यानी कि पोजीशन चेंज कर सकते हो, बस CL की पोजीशन चेंज कर दो, फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये कर सकते हो यहाँ पे CL, यहाँ पे CL अल्टरनेट में लगा दो, तो कितने आइसोमर बना लोगे टोटल, 3, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिए जरा, पूछा गया हाउ मनी एस्टर पॉसिबल स्ट्रक्चरल ओनली, कायरलिटी नहीं देखनी है आपको, स्ट्रक्चरल देखनी है, तो देखो दोस्त क्या दे दो, एक साइड में CH3CH2, टोटल 4 कार्बन है, एक साइड में एक कार्बन रखो, एक तो आप ये बना दोगे, दूसरा आप क्या बना दोगे, अब इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हो, नहीं कर सकते, केवल एक कार्बन को इधर ले जा सकते हो, तो ये बना दोगे यहाँ पे O और यहाँ पे CH2CH3, अब क्या कर सकते हो दोस्तों, इस CH3 को इधर ले जा सकते हो, तो H है ना एस्टर, ये भी एस्टर है, ये क्या जाएगा CH2CH2CH3, एक साइड में 3 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इस कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आइसो प्रोपाइल में, तो आइसो प्रोपाइल बना दो दोस्तों, CH CH3 CH3, यस करो, और क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, बस गिन सकते हो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4, कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 आइसोमर बना सकते हो, यस करो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा सवाल दे रखा है, दिए गए यौगिक में कितने एमीन संभव है, कितने एमाइन की बात हो रही है दोस्तों, क्या दे रखा है, C3 केवल संरचनात्मक की बात हो रही है, ये भी संरचनात्मक, तो देखो CH3CH2CH2NH2, एक तो ये बना दिया आपने, फिर क्या बना दोगे दोस्तों, NH2 की पोजीशन चेंज कर दो, यस करो, ये कर सकते हो। अब आप 1 डिग्री बना दिया, आप 2 डिग्री भी बना लो, 2 डिग्री बनाओगे तो एक साइड में तो आप 2 कार्बन रखो और एक साइड में क्या रख दो, 1 कार्बन, 2 डिग्री एक ही बनाया जा सकता है। 3 डिग्री बना दो दोस्त, 3 डिग्री भी कितने बनाए जा सकते हैं, मात्र 1 1 2 3 4, कितने आइसोमर हो गए, 4, कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, थर्ड आंसर हो गया, यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो क्या पूछा गया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछी गई है दोस्तों, प्लेन ऐसा कोई हाइपोथेटिकली प्लेन जिससे काटने पर उसके 2 इक्वल पार्ट बन जाए, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का क्या हो दोस्तों, मिरर इमेज हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, POS बोलेंगे, POS, देख लो बोले POS कैसे काट सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं और इसको ऐसे भी काट सकते हैं, यानी कि ये तो प्लेनर है ना, SP2 हाइब्रिड है, ऐसे काट सकते हैं बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें POS है, इसमें तो थोक में भरी पड़ी है दोस्तों, कैसे भी काटो इसमें भी POS है, इसमें POS है क्या दोस्तों, अब इसको इवन नंबर में स्विच करके देख लो, ये CWH यहाँ पे, H यहाँ पे आ जाएगा, एक बार स्विच, फिर इसको और H में चेंज करके देख लो, यहाँ CWH, यहाँ OH और यहाँ पे H, देख लो इसमें भी मोलिकुलर सिमेट्री, इसका मतलब ये भी मीजो कंपाउंड है, इसमें भी क्या है, मोलिकुलर सिमेट्री है, इसमें ये टब फॉर्म में मिलती है दोस्तों, अब टब को बिल्कुल इक्वल होता है, यानी कि इसको काटा जा सकता है आराम से,
कैसा है अगर अपने बात करें तो टब फॉर्म में मिलती हैं, और टब फॉर्म में क्या किया जा सकता है दोस्तों, इसको काटा जा सकता है मजे से, ठीक है। क्या कर दो, काट दो काट दो काट दो, ठीक है। क्या कर दो, टब है तो टब को काट दो, बीच में से काट दो, ठीक है, बराबरी तो है। यहां पे देख लो दोस्तों, एस डी एस डी, ये डिफरेंट प्लेन में है बट दोनों हाइड्रोजन सेम है। इसका मतलब इस सी एस थ्री को और यू उल्टा दो, इस सी एस थ्री और एच दोनों कट जाएं और एच और एच दोनों बच जाएं, ठीक है, आधे आधे हो जाएं, तो काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, इसको ऐसे काट सकते हो, यस करो, दोनों सी एल कट जाएंगे। ये ट्रांस में है, कोई सोच रहा होगा भी ट्रांस में है, लेकिन काटा जा सकता है दोस्तों, अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। आधा सी एस थ्री काट दो, आधा इधर भी सी एस थ्री काट दो, इसको भी काट दो, सेम यही कहानी है, काट दो, ये भी ट्रांस है, इसका मतलब कोई बचा ही नहीं जिसको ना काटा जाए। इसका मतलब कितने हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7, सबको काटा जा सकता है। कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, यस करो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा सवाल दे रखा है, 66। अब आपको पता है दोस्तों, D2OD नेगेटिव की प्रेजेंस में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे ड्यूटेरियम द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। बट अगर क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा दे रखा है ब्रिज हेड एटम, थोड़ी देर पहले ही अपने बात की थी कि ब्रिज हेड एटम पर प्रेजेंट हाइड्रोजन ना तो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता, तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, इसका मतलब वो डी द्वारा रिप्लेस कैसे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो दोनों के दोनों हट जाएंगे, और कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ, यस करो, कौन से, यही आएगा, ये डी नहीं हट सकता, यस करो। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो क्या दे रखा है, 57 नंबर, रिजोलेबल की बात हो रही है। रिजोलेबल का मतलब इनेंसियोमर कौन बनाएगा, नॉन रिजोलेबल का मतलब होता है मीजो कंपाउंड, नॉन रिजोलेबल का मतलब क्या होता है, मीजो कंपाउंड, रिजोलेबल का मतलब क्या होता है, नॉन मीजो, नॉन मीजो यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव इनेंसियोमर कौन बना सकता है, इनेंसियोमर कौन बना सकता है दोस्तों, ये बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, ठीक है, ये बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। NO2 NO2 दोनों सेम ग्रुप है, इसका मतलब अब ऑर्थो के ऊपर, बाईफिनाइल है, ऑर्थो के ऊपर जैसे ही बल्कि ग्रुप आएंगे तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करते ही एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। अब एक रिंग तो क्या है, खड़ी है और एक पड़ी है, तो आप इसको ऐसे काटो या ऐसे काटो, ठीक है, अगर एक रिंग पे दो सेम ग्रुप है तो वो कट जाएगी, एक ग्रुप, एक रिंग पे दो सेम ग्रुप है तो कट जाएगी। देखो एक रिंग पे दोनों सेम ग्रुप है, ठीक है, इन पे तो दोनों पे सेम सेम है, इस पे दोनों सेम, इस पे दोनों सेम, तो कट जाएगी, चाहे वो खड़ी वाली काट दो या पड़ी वाली काट दो, दोनों ही कट जाएंगे। अब ये देखो, अब आपको देखने पे नजर आ रहा होगा कि इसमें COS है, लेकिन नहीं, ऑर्थो पे जैसे ही बल्कि ग्रुप आएगा ये रिंग क्या हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर रिंग पर, एक रिंग पे दोनों सेम ग्रुप है तो कट जाएगी, अदरवाइज नहीं काटी जा सकती, नहीं काटी जा सकती। एक पे बी आर है और एक पे क्या है दोस्तों, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे काटोगे तो एक साइड में बी आर और एक साइड में आई है, आप ऐसे काटोगे तो एक साइड में बी आर और एक साइड में आई है, यस करो, एक रिंग कटेगी दूसरी नहीं कटने देगी, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, रिजोलेबल है दोस्तों ये। अब आपको पता है ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू फ्लिपिंग। नाइट्रोजन पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेंगे दोस्तों, रिपल्शन करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो अपना आपा खो बैठता है, ठीक है, और वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, थर्ड आंसर, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि रिजोलेबल है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, 768 नंबर सवाल, न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात हो रही है। देखो तो जरा इसकी स्ट्रक्चर बना लो, 2,2-dimethylbutane, 2,2-dimethylbutane बना लो दोस्तों, CH3 CH2 CH3, और यहां पे CH3 और CH3, ठीक है। अगर आप इसको अल्फा मानते हो और इसको बीटा मानते हो, ठीक है, क्योंकि एक सामने वाला कार्बन और दो, ठीक है, एक पीछे वाला कार्बन, अगर आप इसको अल्फा मानते हो तो इस कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3, यहां हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और फिर इसको अगर बात करें तो इस कार्बन पर देखो दो सी एस थ्री, ये रहा एक सी एस थ्री और एक ये रहा सी एस थ्री, और दूसरा क्या बच गया, देखो इथाइल आएगा, तो यानी कि यहाँ C2H5 आएगा, तो एच और इथाइल आ सकता है, या फिर एक और हो सकता है दोस्तों, अगर दूसरा आए, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, एक तो देखो एच और इथाइल आ सकता है, दूसरा अगर आपने इसको अल्फा माना और इसको बीटा माना, इसको अल्फा माना और इसको बीटा माना, तो इसका मतलब एक कार्बन पर तीन सी एस थ्री है, देखो एक कार्बन पर तीन सी एस थ्री है, एक सी एस थ्री आएगा कहां पे, यहां कर लेते हैं, यहां सी एस थ्री आएगा फिर, क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर तीन सी एस थ्री है और एक पर एक सी एस थ्री और दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन और एक यहां सी एस थ्री, तो दोनों सी एस थ्री,
ऑप्शन में है क्या? दोनों सी एस थ्री नहीं है, एक एच और एक इथाइल है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों? एक एच और एक इथाइल है, ठीक है। तो क्रमशः बताना है आपको दोस्तों, ये इथाइल और एच है, तो पहले एक्स और उसके बाद में वाई, तो एक्स किस गैप पर कौन आएगा दोस्तों? एच, और वाई किस गैप पर कौन आएगा? इथाइल। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। यस कि नो? ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया? 69 नंबर सवाल, स्टेबल की बात हो रही है। एक तो एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल होता है। इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल, क्यों? क्योंकि एक्सियल पर कोई भी ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों? 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन करते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आएगा, यहाँ पे क्या रहता है? हाइड्रोजन, ठीक है। कोई ग्रुप है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन करते हैं, रिपल्शन करने के कारण इसमें स्ट्रेन आ जाती है, ठीक है। इसलिए इक्विटोरियल ये तो क्या है? एक्सियल वाले हैं, और इक्विटोरियल वाले रिपल्शन नहीं करते, इसका मतलब मोर स्टेबल होते हैं। तो देख लो किसके ऊपर इक्विटोरियल है। अब देखो 1,2,3,4 यही तो है, 1,2,3,4 ये देखो, ये तो एक्सियल और ये भी एक्सियल, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक तो इक्विटोरियल है, तिरछे जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? इक्विटोरियल। ये एक्सियल है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो इक्विटोरियल और ये भी इक्विटोरियल, यहाँ पे एक्सियल आएगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, वो एक्सियल है, ठीक है। क्या है? एक्सियल। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या है? इक्विटोरियल पर है। इक्विटोरियल पर है तो नो रिपल्शन, मिनिमम एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये देखो एक इक्विटोरियल है, एक एक्सियल है, इसका मतलब इसकी कहानी खत्म है। कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो क्या दे दिया दोस्तों? ये दे दिया, देखो बेहद ही प्यारा सा सवाल है, 70 नंबर। विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए पेयर ऑफ मेटामर्स, मेटामर्स की बात हो रही है। मेटामेरिज्म की अगर अपन बात करें तो देखो ये कौन है? एस्टर, और ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेटामर्स नहीं हो सकता। ये अगर अपन बात करें तो इसमें कितने कार्बन है? 1,2,3,4 1,2,3 ये भी नहीं हो सकता, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है दोस्तों, ठीक है। स्ट्रक्चर 1,2,3 ये पोजिशन आइसोमर हो गया आपका, यस करो। तो इसका मतलब ये तीनों ही आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम बट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच एल्काइल और एराइल पार्ट की नेचर अगर डिफरेंट होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मेटामर्स बोलेंगे दोस्तों। कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ, यस करो। नेक्स्ट 71 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है दोस्तों? ये पूछा गया है ये इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? रिश्ता सीधा ही दिखाई दे रहा है, 1,2,3,4 1,2,3 ओहो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर संरचनात्मक समावी यानी कि कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हुआ है, सिंपल सा आंसर था, यस करो, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है? 72 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल, मीजो दे रखा है, मीजो 2,3 डाई फ्लोरो, मीजो होना चाहिए दोस्तों। क्या दे रखा है? मीजो 2,3 डाई फ्लोरो 2,3 ब्यूटेन डाइओल। मीजो देखो पहले तो, क्या ये मीजो है क्या? नहीं है दोस्तों। ये मीजो है क्या? नहीं है दोस्तों। ये इसकी अगर अपन बात करें तो क्या ये मीजो है क्या? जी हाँ, ये मीजो है। मीजो का मतलब COS, देखो इसमें इधर गए फ्लोरीन, इधर गए फ्लोरीन, इधर गए CH3, इधर गए CH3OH, ये स्टेबल है दोस्तों। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मोस्ट स्टेबल है। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए? मीजो भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए, मीजो भी होना चाहिए और स्टेबल, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। इसमें एक ही साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इधर कर ले चाहे इधर कर ले, ठीक है। इसका मतलब ये मीजो भी है, मीजो भी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलो इधर से करवा दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दी, लेकिन ये मीजो नहीं है दोस्त। क्या नहीं है? मीजो नहीं है। तो मीजो पूछा है अगले ने, तो मीजो के लिए क्या होगा? दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मीजो, यस कि नो? थर्ड आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु कीरेल है? विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी मिलते हैं दोस्तों दुनिया में, ठीक है। इसका मतलब ये तो मीजो है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये SDSD, ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इसका मतलब आप इसको ऐसे काट सकते हो, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? SDSD, यस, डिफरेंट प्लेन हो गया, और ये ग्रुप भी दोनों क्या है दोस्तों? डिफरेंट है, इसका मतलब विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यही है दोस्तों, और ये तो एक ही प्लेन में है, काट दो, काट सकते हो ना मजे से। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा मिलेगा? थर्ड, विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है अपने को?
74 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का रिश्ता पूछा गया है। अब ये दोनों रिश्ते में क्या लगेंगे, देखो CH3 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 तीन कार्बन है, इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला समान है। देखो ये कौन सा है 2 डिग्री और ये भी कौन सा है 2 डिग्री, ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं हो सकते 2 डिग्री 2 डिग्री आपस में, ठीक है। मेटामर्स है क्या, जी हाँ मेटामर्स ही है। डायस्टीरियोमर हो नहीं सकते, डायस्टीरियोमर क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि ये त्रिविम समावी यानी कि स्टीरियो आइसोमर का हिस्सा हो गया और त्रिविम समावी में यानी कि स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो था सेम, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी तो स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, मेटामर्स है ये दोनों आपस में, टोटोमेरिज्म है नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा है लास्ट सवाल, क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा गया है, बेहद ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। देखो दोस्तों ये डबल बॉन्ड जीआई शो करता है क्या, जी हाँ ये डबल बॉन्ड जीआई शो करता है क्या, क्या ये काइरल है क्या, अब सिंपल देखने से तो अपने को लगेगा नहीं है दोस्तों, तो कैसे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ये सिस हो सकती है और ये भी सिस हो सकती है ना, तो ये सिस और ये सिस, इसका मतलब बीच वाला क्या रहेगा, अकायरल, बीच वाला काइरल नहीं हो सकता, क्यों, इधर भी सिस और इधर भी सिस, तो काइरल कैसे हो सकता है। ये साइड वाली कैसी हो सकती है दोस्तों, ट्रांस, और इधर साइड वाली भी कैसी हो सकती है, ट्रांस, यानी कि ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस, ठीक है, दोनों की दोनों क्या मिल गई अपने को, ट्रांस, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कैसा रहेगा, अकायरल, बल्कि ये क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर तो है ना, जी आई और ओ आई दोनों आते हैं स्टीरियो आइसोमर में, तो सिस ट्रांस दोनों क्या है दोस्तों, जी आई एम, ठीक है, तो दो आइसोमर। ये दोस्तों अगर एक सिस हो जाए और एक क्या हो जाए, ट्रांस हो जाए, एक सिस हो जाए और एक ट्रांस हो जाए, इसका मतलब सिस और ट्रांस अलग अलग हो गई तो काइरल होगा। एक मान लो सिस हो जाए कोई सी भी और एक कोई सी भी क्या हो जाए दोस्तों, ट्रांस हो जाए, तो ये काइरल हो गया दोस्तों। ये मैंने दो बार क्यों लिख दिया, क्योंकि हो सकता है एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एक आर हो सकता है और एक एस हो सकता है, यानी कि सीएल ऊपर हो सकता है सीएल नीचे हो सकता है, तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एनसीओमर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन गए दोस्तों, देखो चार बन गए, कितने बन गए चार, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, 4। यस कनो, ये था दोस्तों अपना पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है आपने पेपर बढ़िया किया होगा, ठीक है, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाएं, ठीक है, अच्छी रैंक के साथ जाएं। सिलेक्शन कराना बड़ी बात नहीं है, नंबर हासिल करना, अच्छी रैंक हासिल करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, गुरु नीति देखते रहें, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन देखते रहें, ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय सीएलसी।